हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपेक्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको कहा था कि हम मैराथन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड होंगे। तो आज हम करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के, जो कि डीएनए और आरएनए बेस्ड है, एंड सम क्वेश्चन फ्रॉम द बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये तीन चैप्टर्स में से मैंने ज्यादा क्वेश्चन उठाए हैं, सो दैट की जो आपकी प्रेपरेशन है उसको आपको पता चले कि हम कितने प्रेपरेशन कर चुके हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी होने वाला है। आई होप सो कि अगस्त या सितंबर तक एग्जाम हो जाएगा। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द साइंटिस्ट हु सॉ ए लाइव सेल फर्स्ट टाइम। देखो, फर्स्ट टाइम जो लिविंग सेल किसने देखी थी, तो फर्स्ट टाइम आपको पता है सबको कि जो लिविंग सेल है वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखी थी, और जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने क्या किया था, इन्होंने की थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी। एंड श्लाइडेन और श्वान ने, श्लाइडेन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, श्लाइडेन और श्वान ने क्या दिया था, सेल थ्योरी दी थी, और रॉबर्ट विर्चो ने क्या किया था, उस सेल थ्योरी के अंदर एक पॉइंट ऐड किया था। द मोस्ट लाइकली मैथड यूज टू डिटरमाइन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर। हाँ जी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखनी है किसी सेल ऑर्गेनली की, कोई भी सेल ऑर्गेनली है उसकी जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, मतलब उसको अच्छे से चेक करना, उसको देखना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कौन से माइक्रोस्कोप से देख रहे हो। अगर आपने उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखनी है, मतलब उसमें आपने एक एक मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करना है, तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, आंसर विल बी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करनी पड़ेगी। थर्ड क्वेश्चन है, सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय। हाँ जी, जो सेल थ्योरी है वो किसने दी थी, श्लाइडेन और श्वान, आप सबको पता है। ये क्वेश्चन हमारा पिछली वाली मैराथन में भी आई थिंक आया हुआ है कि सेल थ्योरी किसने दी थी, श्लाइडेन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, आफ्टर दैट श्वान प्रपोज सेल थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच। हाँ जी, श्वान ने जो सेल थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो देखो बेटा, जो सेल थ्योरी दी थी श्वान ने, उन्होंने क्या बोला था कि तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं किसी भी सेल थ्योरी के। पहला जो सेल थ्योरी जो थी, वैसे वो उन्होंने उसके दो ही पॉइंट बताए थे, उसके बाद रॉबर्ट विर्चो आए थे जिन्होंने ये बताया था कि भी ओमना सेलुला ई सेलुला। अभी बताती हूँ क्या है। देखो, पहला पॉइंट था ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। श्लाइडेन और श्वान ने कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और जो सेल है ये बेसिक यूनिट है लाइफ की, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इसके बाद रॉबर्ट विर्चो है, उन्होंने क्या कहा, ऑल सेल आर प्रोड्यूस्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखो, जितनी भी सेल्स हैं वो कोई नई तरीके से नहीं बनी है, जितनी भी सेल हैं जो आपको आज दिख रही है, उन्होंने कहा कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उससे ही मिलकर बनी है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, श्वान प्रपोज सेल थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच ईच सेल ऑफ द बॉडी पोजेस द सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये तो नहीं उन्होंने बताया था, ऑल लाइफ एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द मिनिएचर फॉर्म इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ इट्स बॉडी। बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्लाइडेन एंड श्वान सेल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन। हाँ जी, श्लाइडेन और श्वान बेटा क्या नहीं बता पाए थे, ये नहीं बता पाए थे कि जो नई सेल है वो कैसे बनती है। ठीक है, हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। पहला ऑप्शन है सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये तो रॉबर्ट विर्चो ने बताया था। वो किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, कुड नॉट एक्सप्लेन, तो हम लिखेंगे हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। वो ये नहीं बता पाए थे कि, उन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनती है, लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि भी इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दें कि नई सेल्स कैसे बनती हैं। तो उन्होंने, रॉबर्ट विर्चो ने इसका समाधान निकाला, उन्होंने सॉल्यूशन दिया कि जितनी भी एग्जिस्टिंग सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनती हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑमनी सेलुला ई सेलुला। ऑमनी सेलुला ई सेलुला जो है कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या, इसका मतलब क्या है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होती हैं। हु गेव दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था विर्चो ने। ठीक है, श्लाइडेन एंड श्वान एंड विर्चो तीनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, श्लाइडेन, श्वान और विर्चो तीनों ने मिलकर क्या दिया था, सेल थ्योरी दी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, एंड ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, इसने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, और रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में। उसके बाद है द जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड इन। जो जेनेटिक मटेरियल है नेकेड किसमें होता है, ये अपने आप बताओ किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है। ठीक है,
प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बेटा जेनेटिक मटेरियल नेकेड के होते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बंद नहीं है। अगर न्यूक्लियस के अंदर पूरा अच्छी तरह से पैक्ड होगा तो हम उसको नेकेड नहीं कहेंगे। हम जिस रीजन के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन। हाँ जी, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है? तो दोनों सेल्स के अंदर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा यूकैरियोटिक सेल में ही मिलेगा आपको, ठीक है। राइबोसोम दोनों सेल्स में होता है। राइबोसोम जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। दिस इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स। सेल्स की जो प्रोटीन फैक्ट्री है उसको राइबोसोम बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, प्लांट्स में मिलता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलेगी, ठीक है, क्योंकि उसके साथ साथ होती है, न्यूक्लियस के साथ साथ होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो न्यूक्लियस ही आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको यूकैरियोटिक सेल में ही मिलेगी। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, हाँ जी, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सी है? एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग है ये लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है, ठीक है। After that, after doing the chemical analysis of the organic compound found in living organism, fractions were observed. TV नहीं, small fractions were observed, namely. हाँ जी, ये question कहाँ से लिया गया है? Question आया है biomolecule से. But इस question को समझने के लिए आपको एक छोटा सा concept समझना पड़ेगा. क्या concept है? देखो, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है? एक मोटर लिया और एक पैसल लिया। मोटर और पैसल समझते हो? डोरी और कुंडा, है ना? जो डोरी होती है और कुंडा होता है ना घर पे, जिसमें हम चटनी बनाते हैं, तो उस तरह का हमने एक डिवाइस ले लिया। हमने क्या किया, उसमें एक लेग पीस रख लिया। किसका? चिकन का, ठीक है, चिकन लेग पीस रख लिया। तो जो चिकन लेग पीस है वो क्या है? एक लिविंग टिश्यू है ना, तो आपको एक लिविंग टिश्यू चाहिए। आपने जब बायोमोलिक्यूल चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं तो हम यहीं से उसको स्टार्ट करते हैं ना कि बायोमोलिक्यूल्स में कौन से बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, कौन से बायो माइक्रोमोलिक्यूल है। तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सारे क्या है? डीएनए है, आरएनए है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, दीज ऑल आर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज बायो मैक्रोमोलिक्यूल है और कौन सी चीज बायो माइक्रोमोलिक्यूल है? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक दोरी और एक कुंडा लेना पड़ता है, उसके लिए एक लिविंग टिश्यू लेना पड़ेगा और उसको आप अच्छी तरह से पीसोगे, ठीक है, इसको अच्छी तरह से मारो, तो ये क्या हो जाएगा? क्रश हो जाएगा ना, सारी की सारी जो लेग पीस है, चिकन लेग पीस जो है, जो हमने लिविंग टिश्यू लिया है वो पूरा क्रश हो जाएगा। क्रश होके क्या होगा? आपने इसके अंदर एक चीज और डाली है, इसको सीधा तो इसको क्रश नहीं कर सकते ना, इसमें कुछ डालना भी पड़ेगा ताकि जो है इसकी सॉल्युबिलिटी बने, किसी चीज के अंदर ये मिल जाए। तो पानी तो डाल नहीं सकते, हमने डाला ट्राइक्लोरो एसिटिक, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटेट डालेंगे हम। जैसे एसिटिक एसिड होता है ना, तो हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालेंगे। तो क्या होता है, जैसे CH3COH होता है, तो CH3 यहाँ पे, जैसे देखो देखो बेटा, CH3COH होता है ना एसिटिक एसिड, तो इसमें से H3 हटा देंगे, इसकी जगह क्लोरीन ऐड कर देंगे, ठीक है, ट्राइक्लोरोएसिटेट कहते हैं इसको, ये हम इसके बीच में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिलेगा आपको लिविंग टिश्यू और ट्राइक्लोरोएसिटेट का। अब क्या करोगे आप? इसको छान लो, एक छाननी लो, उसमें से इसको छान लो, ये पूरा का पूरा जो कंटेंट लिया उसमें से इसको छान लिया। जब इसको हम छानते हैं तो ऊपर वाला जो सॉल्यूशन होता है उसको हम एसिड इनसॉल्युबल सॉल्यूशन कहते हैं, जो चीज घुली नहीं है, ठीक है, जो चीज घुल जाएगी वो तो नीचे आ जाएगी ना, इसके अंदर आ जाएगी, जो चीज नहीं घुली वो ऊपर आ जाएगी। तो ऊपर वाले को आप क्या कहोगे? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे वो ऊपर रह जाएंगे, और जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे ना, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस होंगे मॉलिक्यूल्स के, वो बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। तो नीचे वाले को आप क्या कहोगे? फिल्ट्रेट। जो चीज छन के नीचे आ गई वो फिल्ट्रेट होगी, जो फिल्टर होगी वो फिल्ट्रेट हो गया, और जो नहीं छना वो क्या है? एसिड इनसॉल्युबल पूल, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो देखो बेटा, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो नीचे आ जाएंगे, ये एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर आपको मिलेंगे, और एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर आपको क्या मिलेगा? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। जो छाननी के ऊपर चीज है वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, जो छाननी से छनगे वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, छोटे छोटे पार्टिकल छनगे, इसको हम एसिड सॉल्युबल पूल कहेंगे, इसको हम एसिड इनसॉल्युबल पूल कहेंगे, और सारे को मिला के क्या कहते हैं? सेलुलर पूल, याद रखना है आपने, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो कैसे लगाओगे। आफ्टर डूइंग द केमिकल एनालिसिस, आप क्या कर रहे थे? अभी तक जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वो केमिकल एनालिसिस था, ठीक है। केमिकल एनालिसिस के बाद कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रैक्शन वर ऑब्जर्व नेमली, उसको क्या नाम दोगे? एसिड सॉल्युबल पूल कहेंगे और एसिड इनसॉल्युबल पूल कहेंगे, ठीक है।
पूरे को क्या नाम देते हैं, केमिकल एनालिसिस को। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, ये आपका इसको केमिकल एनालिसिस ऑफ, इसको क्या कहते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट का नाम है केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू। केमिकल एनालिसिस है ये लिविंग टिश्यू का, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल फूड और एसिड सॉल्युबल फूड। अब देखो, चूज द एलिमेंट विच इज नेग्लिजिबल इन द लिविंग मैटर। हाँ जी, लिविंग मैटर के अंदर जो चीज आपको बहुत ही कम मिलेगी उसका नाम बताओ। तो इसका नाम क्या होगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन कहाँ मिलती है हमारी बॉडी के अंदर, है ना, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, सल्फर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन सिलिकॉन नहीं होगा। इसके बाद है ग्राइंडिंग ऑफ ए लिविंग टिश्यू। अभी हमने क्या किया ना, ग्राइंड किया लिविंग टिश्यू को इन द ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। हाँ जी, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला। शो द प्रेजेंस ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट था उसमें, फॉस्फेट था एटसेट्रा, विच आर कैटेगराइज एज। इसको हम किस चीज के अंदर कैटेगराइज करेंगे, एसिड्स इनसॉल्यूबल में या एसिड सॉल्यूबल में, अपने आप इसका आंसर दो। इसका आंसर क्या आना चाहिए, एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन होगा बेटा, ये एसिड सॉल्यूबल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती है वो नीचे आ जाती है छन के, जो फॉस्फेट है सल्फेट है, तो इसको एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन। अब है बायो मॉलिक्यूल्स आर, बायो मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, और द कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग टिश्यू ओनली डीएनए एंड आरएनए। क्या होगा, जितने भी कार्बन कंपाउंड है जो कि लिविंग टिश्यू के अंदर मिलते हैं वो सारे के सारे ही बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं जो कि आपको लिविंग टिश्यू से ऑब्टेन करने को मिलते हैं वो सारे बायो मॉलिक्यूल्स हैं। फिर है आइडेंटिफाई द टर्म ऐश इन द टर्म ऑफ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू के टर्म में आप ऐश किसको कहोगे, क्या होता है ऐश, ऐश क्या होती है, टिश्यू के बर्न होने के बाद बेटा जो चीज रह जाती है, द मटेरियल लेफ्ट आफ्टर बर्निंग द टिश्यू विच कंटेन द इनऑर्गेनिक एलिमेंट सच एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसको हम क्या कहते हैं, ऐश कहते हैं, ठीक है, इसको टिश्यू की ऐश कहते हैं। बिल्कुल आपने कोई लिविंग टिश्यू ले लिया, उसको बिल्कुल आपने उसको अच्छी तरह से क्रश कर लिया, ठीक है, जो मटेरियल लेफ्ट होगा आफ्टर द बर्निंग टिश्यू, बर्निंग का मतलब होता है उसको बिल्कुल अच्छी तरह से आपने वो कर लिया, जैसे अभी हमने किया था ना चिकन के लेग पीस को अच्छी तरह क्रश कर लिया, तो उसको हम टिश्यू की ऐश कहते हैं। उसके बाद भी जो पार्टिकल बचेंगे वो टिश्यू की ऐश होती है। द सम टोटल कंपोजिशन ऑफ एसिड सोल्यूबल एंड एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन और एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, सेलुलर पूल, ठीक है, इनसोल्यूबल पूल, सोल्यूबल पूल, सेलुलर पूल, ठीक है, ये तीन टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है। बेटा आप आंसर दे रहे हो ना, जो बच्चे लाइव जुड़े हो ना, जो आंसर दे रहे हैं वो, जैसे मान लो 10th क्वेश्चन है, 10th ए, इस तरह से आंसर देना, ठीक है, ताकि पता चले, ए भी लिखते हो पता ही नहीं चलता कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। फिर है अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो अमीनो एसिड्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एंड आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स। इनको अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं। ये क्यों होता है बेटा, इसका आंसर देखो क्या होगा, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनको अल्फा अमीनो एसिड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा आपने सबने मीथेन तो सुना होगा, CH4, तो क्या होता है, ये देखो H H, चारों इसकी वैलेंसी कंप्लीट है ना CH4 के अंदर। तो देखो आपने क्या करना है, इस H को हटा दो, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, ठीक है, इस H को हटाया, यहाँ पे एमीन ग्रुप लगाया, और यहाँ पे H लगा रहने दो, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा दो, कुछ भी मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दो, यहाँ पे R लगा दो, ठीक है। तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना उसके अंदर इसी कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और सेम इसी कार्बन के ऊपर अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरह से अगर एक ही कार्बन के ऊपर दो अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं, इसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन, ठीक है। इसलिए जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो सारे अल्फा कार्बन के ऊपर लगे होते हैं। अगर इस तरह की कोई स्ट्रक्चर दे रखी हो ना तो वो गलत हो जाएगी, वो नहीं बनेगा, जैसे COOH CCNH2, ठीक है। तो अगर हम इसको कहें कि ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आर जो है वो चेंज होता रहता है, जैसे मान लो ग्लाइसिन है, आर्जिनिन है, लाइसिन है, उसके अंदर सबके अंदर जितने भी अमीनो एसिड है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो यही रहेगी, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा रहेगा, एक तरफ अमाइन ग्रुप लगा रहेगा, ऊपर हाइड्रोजन लगी रहेगी, सिर्फ ये आर चेंज होता है। जैसे ही आर ग्रुप चेंज होगा वैसे वैसे आपका अमीनो एसिड चेंज होते जाएंगे, ठीक है। और सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन। तो देखो अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूशन ऑन द डिफरेंट कार्बन। अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप
एज सब्स्टिट्यूट ऑन द सेम कार्बन, एमाइनो एसिड आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन एमाइनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूट ऑन टू डिफरेंट कार्बन. टू डिफरेंट कार्बन तो हो भी नहीं सकता, आंसर ही नहीं हो सकता. आंसर क्या आएगा इसका? एमिनो एसिड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूट ऑन द सेम कार्बन. सेम कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है. यहाँ पे इनऑर्गेनिक लिखा हुआ ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया. अमीनो एसिड आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड. अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूट ऑन द, यहाँ पे लिखा ना, टू डिफरेंट नहीं होगा, ऑन द सेम कार्बन. तो आंसर विल बी बी. अमीनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स. अमीनो एसिड जो होते हैं सब्स्टिट्यूटेड मिथेन है. अभी मैंने आपको बताया कि जो मिथेन की स्ट्रक्चर है इसको आप इसको डिस्ट्रैक्ट कर दो, इसके यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दो, यहाँ पे अमाइन ग्रुप लगा दो, तो आपका अमीनो एसिड बन जाएगा. तो देखो अमीनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन, ये बिल्कुल सही बात है. वट आर द फोर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाइंग फोर द फोर वैलेंसी पोजिशन. चार वैलेंसी पोजिशन में क्या क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा, हाइड्रोजन आएगा, अमाइन आएगा, वेरिएबल ग्रुप आएगा. ठीक है, हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, वेरिएबल ग्रुप है. तो आंसर विल बी डी. दूसरे आंसर देखने की जरूरत ही नहीं, आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है. टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकते हैं? आंसर गलत हो गया. टू हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो सकते हैं? एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप एंड ए वेरिएबल ग्रुप. दो हाइड्रोजन हो सकते हैं लेकिन उसके साथ वेरिएबल ग्रुप कहाँ से आ गया? कार्बन की तो वैलेंसी फोर होती है. तो कार्बन अमीनो ग्रुप, टू अमीनो ग्रुप, दो अमीनो ग्रुप है, वन हाइड्रोजन एंड वन कार्बोक्सिलिक, ये भी नहीं हो सकता. तो आंसर विल बी ए. वैरायटी ऑफ अमीनो एसिड आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ जी, अलग अलग टाइप की वैरायटी कैसे बनती है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नो. पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, नो. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन से, नो. नेचर ऑफ आर ग्रुप, जैसे जैसे आर ग्रुप बदलता जाता है, अगर बेसिक आर ग्रुप आ गया तो हम इसको कहेंगे कि ये बेसिक है. जैसे लाइसिन है, आर्जिनिन है, ये बेसिक अमीनो एसिड है. अगर वहां पे कोई एसिड ग्रुप लग गया तो एसिडिक अमीनो एसिड हो गए, ठीक है. बेसिक अमीनो एसिड आपको आएगा आगे टॉपिक, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ना, जिसके ऊपर सारा का सारा डीएनए लिपटता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो सारे के सारे बेसिक अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं, ठीक है. हाँ जी, 18 का डी. फिर अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड फाउंड इन द प्रोटीन्स. हाँ जी, वैसे तो बेटा बहुत सारे टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन बनाते हैं अमीनो एसिड, वो 20 टाइप के अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन बनाते हैं. द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकर्सर ऑफ द सिंथेसिस. हाँ जी, जो ट्रिप्टोफैन है ये एनसीईआरटी की ही लाइन है. जो ये क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी की लाइन है. ये जो अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, ये हमारी बॉडी के अंदर मेलेटोनिन और सेरोटोनिन को रिलीज करता है, ठीक है. मेलेटोनिन और सेरोटोनिन को रिलीज करता है, प्रिकर्सर है. द एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे. टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफान, ये सारे के सारे एरोमेटिक है. एरोमेटिक मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो रिंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है. एरोमेटिक, जिसके अंदर से खुशबू आती है. एक मिनट. ए फैटी एसिड हैज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू आर ग्रुप. एक फैटी एसिड है कोई, ठीक है. ए फैटी एसिड हैज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू आर ग्रुप. द आर ग्रुप कुड बी, जो आर ग्रुप है वो क्या हो सकता है? मिथाइल, इथाइल, हायर नंबर ऑफ सी एच टू ग्रुप्स, ऑल ऑफ अबव. बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है ना. फैटी एसिड जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच है, तो मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, सी एच टू ग्रुप भी हो सकते हैं, ऑल ऑफ अबव, कुछ भी हो सकता है. कुछ कह थोड़ा ना सकते हैं कि पक्का यही चीज होगी. इसके बाद है सैचुरेटेड फैटी एसिड पॉजेस बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड आर रूम टेम्परेचर. हाँ जी, जब सैचुरेटेड की बात आती है सैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो कौन सा बॉन्ड होता है उनमें? सिंगल बॉन्ड होता है और वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, ठीक है. अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होगा और वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होंगे. ये आपको याद करना है. सैचुरेटेड S for saturated, S for single, याद रख लेना, ठीक है. ट्रिपल S कहते हैं इसको, saturated fatty acid, single bond, solids होते हैं, ठीक है. जैसे घी है, घी सिंगल बॉन्ड, घी में क्या होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, तो सैचुरेशन हुआ हुआ उसका, तो उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है और वो नॉर्मल टेम्परेचर पे जमा हुआ रहता है, ठीक है, सॉलिड होता है.
विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए पॉलीमेरिक, इनमें से कौन पॉलीमर नहीं है? बेटा देखो, लिपिड जो होता है, जब बायोमोलिक्यूल, जिन बच्चों ने सारा कोर्स किया हुआ है, जो बच्चे पेड ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, उनको सबको पता है कि जब मैंने ये चैप्टर करवाया था, मैंने आपको बताया था कि जो लिपिड होते हैं, दे आर नॉट बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं होते। फिर भी जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसका, जैसे हम जो छानते हैं लिविंग टिश्यू को, जैसे ही लिविंग टिश्यू को छाना जाता है, तो उसका जो एसिड इनसॉल्युबल पार्ट होता है, उसके अंदर लिपिड रह जाते हैं, ठीक है? क्योंकि जो लिपिड होते हैं ना बेटा, वो फॉस्फेट की बाई लेयर से बने होते हैं, तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना, वो रोल रोल करके ऊपर ही रह जाते हैं, नीचे छन के आते ही नहीं है, ठीक है? तो लिपिड जो है, इट इज नॉट ए बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, बट इट इज द पार्ट ऑफ एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, याद रखना है आपको। ओमेगा थ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन द, ओमेगा थ्री फैटी एसिड किसमें होता है? फ्लैक्सीड में। आई थिंक मेरे पास इसकी फोटो भी है, मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये देखो, जो ये वाले सीड होते हैं ना, फ्लैक्स सीड, जिसको हम अलसी कहते हैं, अलसी का बीज कहते हैं ना, जो कि हम पतले होने के लिए खाते हैं, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर ओमेगा थ्री फैटी एसिड बहुत सारा होता है, ठीक है? फ्लैक्स सीड, इस तरह के दाने होते हैं, इस तरह का सीड होता है, लोग पतले होने के लिए उसको यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रोल, हाँ जी, इसमें से कौन सा डेरिवेटिव नहीं है कोलेस्ट्रोल का, कौन सा नहीं है? Which of the following is not a derivative of cholesterol? बताओ, विटामिन बी बेटा, विटामिन डी तो है, बाइल साल्ट भी है, विटामिन स्टीरोइड भी है, तो क्या रह गया? विटामिन बी, विटामिन बी जो है, इट इज नॉट द डेरिवेटिव ऑफ द कोलेस्ट्रोल। विटामिन बी जो है, इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, आपने सुना होगा विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी ट्वेल्व, तो इट इज अ विटामिन बी वन से लेकर विटामिन बी ट्वेल्व तक एक पूरा विटामिन का कॉम्प्लेक्स है, ये डेरिवेटिव नहीं है कोलेस्ट्रोल का। विटामिन डी, बाइल साल्ट और स्टीरोइड, ये सारे के सारे डेरिवेटिव है कोलेस्ट्रोल के। इसके बाद है ए न्यूक्लियोसाइड हैविंग ए फॉस्फेट ग्रुप फॉर्म में, हाँ जी, ये समझने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है? देखो बेटा, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो डीएनए होती है, ये न्यूक्लियोटाइड्स की चेन है, ठीक है? जैसे मान लो, अगर मैं आपको बताऊं कि डीएनए कैसे बनता है, अगर आप अपने घर पे डीएनए बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? जैसे वो आती है ना, रेसिपीज बताती हैं, लेडीज आती हैं कि भी हम चाय बनाते हैं, तो चाय के लिए हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, तो चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए? सबसे पहले पानी डालोगे, फिर आप थोड़ी सी चाय पत्ती डालोगे, चीनी डालोगे, उसको उबालोगे, फिर उसमें दूध डालोगे, फिर उसको छानोगे, तो चाय तैयार हो जाएगी आपकी। सेम इसी तरह से अगर डीएनए आपको बनाना है, तो डीएनए के छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं, डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड्स की चेन है, तो डीएनए बनाने के लिए सबसे पहले आपको न्यूक्लियोटाइड चाहिए होगा, और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए सबसे पहले आपको शुगर चाहिए होती है, ठीक है? शुगर भी कौन सी? पेंटोज शुगर। तो जब पेंटोज शुगर के साथ आपका नाइट्रोजिनस बेस जुड़ जाता है, ठीक है, देखो जो डीएनए है ये एक तरह का पॉलीमर है, डीएनए एक पॉलीमर है, और जो इसका मोनोमर है वो है न्यूक्लियोटाइड। तो अगर आपको न्यूक्लियोटाइड बनाना आ जाए, तो आपको डीएनए बनाना आ जाएगा, तो जोड़ना ही है उसके बाद तो न्यूक्लियोटाइड्स को। आपको न्यूक्लियोटाइड की रेसिपी पता होनी चाहिए, तो न्यूक्लियोटाइड की क्या रेसिपी है आपके पास? कि आपके पास एक राइबो शुगर होनी चाहिए, ठीक है? जो राइबो शुगर है, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट शुगर ही होते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो जो राइबोज शुगर है वो इस तरह की पेंटोज शुगर होती है, राइबोज एक पेंटोज शुगर है, जिसके अंदर फाइव कार्बन लगे थे, 1, 2, 3, 4, 5, और देखो इसके अंदर क्या होगा, जो नाइट्रोजिनस बेस है, जब शुगर के साथ नाइट्रोजिनस बेस ऐड हो जाते हैं, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस ऐड हो जाता है, इसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अभी टाइड नहीं बना, न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए भी रुकना पड़ेगा आपको, ठीक है? सबसे पहले आपको ये सीखना होगा न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है। पहले न्यूक्लियोसाइड बनेगा, एक आप लोग को राइबो शुगर लेनी है, राइबो शुगर के साथ आपने नाइट्रोजिनस बेस ऐड करने हैं। अब आप पूछोगे मैम नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस बेस बेटा टू टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स जो होते हैं एडिनिन और गुआनिन होते हैं, और जो पिरामिडिन्स होते हैं वो क्या होते हैं? थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है? नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? एडिनिन और गुआनिन, ये प्यूरिन्स होते हैं, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये क्या होते हैं? पिरामिडिन होते हैं।
पिरिमिडिन, ठीक है, ये सिंगल रिंग की स्ट्रक्चर होती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। तो देखो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जैसे देखो ये जब आप इसके साथ जब आप नाइट्रोजिनस बेस ऐड कर दोगे, आपका न्यूक्लियोसाइड तैयार हो गया, ठीक है। और जो पेंटोज शुगर होती है, जो राइबोज है आपका, वो नाइट्रोजिनस बेस से कैसे जुड़ा होगा, आपको पता है ना कार्बोहाइड्रेट है, ऑल शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का करेक्टरिस्टिक बॉन्ड कौन सा होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं वो शुगर के साथ कैसे ऐड होते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आपने याद रखनी है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोसाइड है, अब न्यूक्लियोसाइड देखो अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर सपोज करो शुगर के साथ एडिनिन ऐड होगी तो क्या बनेगा न्यूक्लियोसाइड, क्या बनेगा, एडिनोसाइड, ठीक है। एडिनिन है ना, तो शुगर प्लस एडिनिन को हम क्या बोलेंगे, एडिनोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बीच में तड़का लगाना पड़ेगा फॉस्फेट का, ठीक है। आपके पास शुगर है, उसके साथ आपने नाइट्रोजिनस बेस ऐड कर दिया, तो न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब न्यूक्लियोसाइड के अंदर आपको तड़का लगाना पड़ेगा फॉस्फेट का, ठीक है, मतलब इसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, उसके बाद ये न्यूक्लियोटाइड का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होगा, फॉस्फेट, फॉस्फेट क्या है, फॉस्फोरिक एसिड डालेंगे हम, फॉस्फोरिक एक एसिड है इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स की जो चेन होती है इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं ना, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस ऐड हो गया, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो गया। तो देखो बेटा न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या होता है, एक तो आपकी शुगर होती है, एक नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, और प्लस फॉस्फेट होता है, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोसाइड की डेफिनेशन कैसे देंगे, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। अब एडिनिन है अगर नाइट्रोजिनस बेस, तो एडिनोसाइड बन जाएगा। अगर हम इसका न्यूक्लियोटाइड बनाना चाहते हैं, अगर इसके अंदर हमने फॉस्फेट ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा, एडिनाइलिक एसिड। समझ आ रही है ना जो बच्चे ऑनलाइन है, एडिनाइलिक एसिड, ठीक है। अब देखो गुआनिन है, गुआनिन से कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनेगा, शुगर प्लस गुआनिन से क्या बनेगा, गुआनोसाइड। और अगर इसको उसका न्यूक्लियोटाइड बनाना चाहते हो तो गुआनिलिक एसिड। फिर साइटोसिन है, साइटोसिन से कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनेगा, शुगर प्लस साइटोसिन क्या बनेगा, साइटिडीन। अब साइटोसिन तो यहाँ पे है ही, अब न्यूक्लियोसाइड बनाना तो साइटोसिन का साइटोसिन तो लिख नहीं सकते, साइटिडीन। अगर उसके अंदर फॉस्फेट डाल दिया तो साइटिडिलिक एसिड, मतलब ये सारे न्यूक्लियोटाइड है, ये सारे न्यूक्लियोसाइड है। अगर थाइमिन है शुगर के साथ ऐड, तो न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा, साइटिडीन, और यहाँ पे क्या बनेगा, साइटिडिलिक एसिड। अगर थाइमिन है तो थाइमिडीन और थाइमिडिलिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड को हम एसिड से रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूक्लियोसाइड को हम उसके नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे देखो अगर एडिनिन है तो एडिनोसाइड, ओके। अब क्वेश्चन देखो क्या है कि ए न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड पता चल गया ना किस चीज की बात कर रहे हैं, शुगर की बात कर रहे हैं, प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। तो देखो ये न्यूक्लियोसाइड हैविंग ए फॉस्फेट ग्रुप फॉर्म है। अब न्यूक्लियोसाइड है, ये तो न्यूक्लियोसाइड है सारा, ठीक है, इसके साथ जब फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोसाइड था, ये न्यूक्लियोसाइड था, इसके साथ जब फॉस्फेट को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो आंसर विल बी न्यूक्लियोटाइड, ओके, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। अब देखो ये डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, देखो यहाँ पे जो इसकी बैकबोन होती है ना बेटा, वो शुगर और फॉस्फेट से मिलके बनी होती है, और जो एडिनिन और थाइमिन, देखो ए और टी आपस में लिंक्ड होते हैं और सी और जी आपस में लिंक्ड होते हैं, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, सी और जी के बीच में, मतलब साइटोसिन और गुआनिन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर आपको कोई कहे कि डीएनए का करेक्टरिस्टिक बॉन्ड कौन सा है, वो आप लिखोगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज द करेक्टरिस्टिक बॉन्ड ऑफ द डीएनए, डीएनए का करेक्टरिस्टिक बॉन्ड है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। लेकिन इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो सॉरी नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, एडिनिन और थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये कैसे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं आपस में। एडिनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और उसके अलावा जो इसकी बैकबोन होती है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से बनी होती है, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ही इसका करेक्टरिस्टिक बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, देखो ये तो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है, ये आपकी शुगर होगी, ठीक है, ये क्या है आपका नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। तो अगर तीनों चीजें हैं तो
तो क्या लिखोगे? अगर ये तीनों चीजें प्रेजेंट है तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। दूसरे न्यूक्लियोटाइड में भी यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस और शुगर आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये दूसरा वाला शुगर है, ठीक है, ये दूसरी वाली शुगर है। अब ये जो शुगर है ये इसके साथ कैसे जुड़ी हुई है? ये इसका जो बेटा यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज है, मतलब इसका जो इस फर्स्ट नंबर कार्बन है, ये सेकंड नंबर कार्बन है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है, इसीलिए इसको डीऑक्सी कहते हैं। डी का मतलब होता है रिमूव हो जाना, किसका? ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना सेकंड नंबर कार्बन से, पेंटोज शुगर की सेकंड नंबर कार्बन से जब ऑक्सीजन रिमूव होगा इसको हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो इसका तीन नंबर पे OH ग्रुप है और जो इसका फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप है, इसका जो OH है और जो इसका H है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? इसका OH ग्रुप और इसके OH में से यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से OH ग्रुप निकलेगा तो क्या बनेगा? एस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एस्टर बॉन्ड क्या होगा? यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से भी एस्टर बॉन्ड निकल जाएगा, तो ये क्या बना? ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड बन गया, इसके साथ एक ये वाला बॉन्ड बना हुआ और इसमें भी इसके साथ, मतलब इसने इसको पकड़ रखा है यहाँ से और इसकी जो एक हाथ है उसने भी इसको पकड़ रखा है, तो ये दोनों क्या बन गए? इन दोनों को क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर। दो बॉन्ड बन गए ना। एस्टर बॉन्ड कब बनता है? जब OH और OH में से देखो एक अल्कोहल और एक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे देखो अल्कोहल और यहाँ पे अल्कोहल, ये एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन उड़ रहा है, एस्टर बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी एस्टर बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरह से चैन बनती चली जाती है और इसका जो ये 5' एंड है ना ऊपर वाले का, ये हमेशा फ्री रहता है, ठीक है। ऊपर वाले ने तो किसी को पकड़ना नहीं है ना, इसने तो इसको पकड़ा हुआ है ना, ऊपर वाला किसको पकड़ेगा? ऊपर 5' एंड इसका हमेशा फ्री रहेगा और इसका हमेशा 3' एंड नीचे वाले का फ्री रहेगा। ये तो मैंने दो ही बनाई है, अगर ज्यादा सारी बनाओ आप चेन्स तो आपको पता चलेगा कि इसका 5' एंड हमेशा फ्री रहेगा और इसका 3' एंड हमेशा फ्री रहता है। इसी को पोलैरिटी ऑफ डीएनए कहते हैं, ठीक है। और ये करेक्टरिस्टिक बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज द बैक बॉन्ड ऑफ द बैक बोन है ये डीएनए की। अब देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये आप क्या करेक्ट ऑप्शन चुनेंगे? डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज ए जेनेटिक मटेरियल, ये बिल्कुल सही बात लिखी है, पहली लाइन ही बिल्कुल सही है कि जो डीएनए और आरएनए है ये बिल्कुल एज ए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। साइटिडीन इज न्यूक्लियोटाइड, जो साइटिडीन है वो एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड छोड़ना है, साइटिडीन न्यूक्लियोटाइड नहीं है, न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड है। फिर है फॉस्फेट इज द कॉमन इन बोथ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, दोनों में कॉमन होता है फॉस्फेट, बिल्कुल नहीं होता कॉमन, सिर्फ न्यूक्लियोटाइड में मिलता है, न्यूक्लियोसाइड में नहीं मिलता। डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स ओनली, ये न्यूक्लियोटाइड की चेन है, न्यूक्लियोसाइड की नहीं है, तो आंसर विल बी 1। डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज ए जेनेटिक मटीरियल। फिर एडीनोसिन, गुआनोसिन, थायमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन, जिसके पीछे डीन डीन लगा हुआ है, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ऑल आर न्यूक्लियोसाइड्स, ये सारे न्यूक्लियोसाइड्स हैं, बट एडीनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, ये सारे क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अभी करवाया है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क होता है, न्यूक्लियोटाइड के पीछे हमेशा एसिड लगा होगा क्योंकि उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। नेम द बिग फोर एलिमेंट कॉल्ड बिग फोर, फोर एलिमेंट्स का नाम बताना है जिसको बिग फोर कहते हैं। बिग फोर किसको कहेंगे? बिग फोर जिससे कि हमारी बॉडी की कंपोजिशन बनी होती है, प्लांट्स की भी बनी होती है, CHON, चोन कहते हैं इसको, याद कर लो इसको चोन से, ठीक है। अभी प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स वाला चैप्टर करोगे उसमें भी आएगा चोन। चोन क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसको बिग फोर भी कहते हैं, और भी बिग सिक्स भी आते हैं कई बार। इसके बाद आता है सिक्वेंस ऑफ द इवेंट्स बाय विच ए सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, एक ऐसा सिक्वेंस इवेंट्स का जिसमें जीनोम अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है, सिंथेसाइज करता है अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इंटू टू डॉटर सेल, और दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको? सेल साइकिल बोलते हैं ना। सेल बेटा एक साइकिल से होकर गुजरता है जिसके अंदर जो सेल होता है वो दो उसमें डिवाइड हो जाता है, पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं, तो इसी को हम सेल साइकिल कहते हैं। ये सेल साइकिल आपके सामने बना हुआ है, इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले G1 फेज आती है, इसको ग्रोथ फेज कहते हैं। दूसरी आती है एस फेज, जिसको हम इंटरफेस भी कहते हैं, इंटरफेस की बहुत लंबी होती है। इंटरफेस के अंदर ही G1 फेज आता है, एस होता है, G2 फेज होता है, और कई बार G0 फेज भी आता है। एस फेज में क्या होता है? ग्रोथ होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। G2 फेज में ग्रोथ होती है और फाइनल प्रेपरेशन होती है डिवीजन के लिए। फिर माइटोसिस फेज होती है, मतलब इंटरफेस पूरी 95% होती है सेल साइकिल की,
और एम फेज माइटोटिक फेज हमेशा 5% होती है, ठीक है, ये इसका इतना क्रेश होता है। जी नोट फेज क्या होता है, कुछ एक बेटा ऐसे सेल्स हैं जिसके अंदर डिवीजन नहीं होता, जैसे हार्ट की सेल है उसमें कौन सा डिवीजन होगा, है ना, न्यूरॉन्स है, ब्रेन की सेल है, इनमें कौन सा डिवीजन होता है, तो ये सेल्स डिवाइड नहीं करती हैं, ये रेस्टिंग फेज में चली जाती हैं, हमेशा के लिए वहीं रहती हैं, तो इसको जी नोट फेज कहते हैं, ठीक है। फिर ड्यूरिंग सेल साइकिल द डीएनए सिंथेसिस अकर्स हाउ मेनी टाइम्स, डीएनए सिंथेसिस कितनी बार होता है पूरे सेल साइकिल के अंदर, कितनी बार होगा, सिर्फ एक बार होता है, वंस, एक ही बार तो होता है इंटरफेज में, माइटोसिस फेज में तो सेल चेंज ही हो जाता है, वो सारा डॉटर सेल बन जाती है। सेल ग्रोथ इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इन द टर्म ऑफ, सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कैसे कह सकते हो आप सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि इसमें बेटा साइटोप्लाज्म जो होता है वो इंक्रीज होता रहता है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 एग्जाम्स में आया हुआ है। इसके बाद है ऑल द सेल साइकिल ऑफ मैमेलियन सेल एंड यीस्ट रिस्पेक्टिवली टेक्स अबाउट, हाँ जी, जो सेल साइकिल होता है मैमेलियन सेल्स का और यीस्ट का वो कितना होता है, जो हमारी बॉडी का मैमेलियंस में हम ही आते हैं, मैमेलियंस कौन होते हैं, जिनकी जो बॉडी होती है, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चों को दूध पिला के बड़ा करते हैं, जिनकी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और जो अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, इनको हम मैमेलियंस कहते हैं, और जो मैमल्स होते हैं ये ब्रेस्ट फीड करते हैं अपने बच्चों को, तो देखो इनके जो फीमेल्स होती हैं उनमें फंक्शनल ब्रेस्ट होती है, तो देखो द सेल साइकिल ऑफ मैमेलियन, मैमेलियंस की सेल साइकिल कितनी होती है, हमारी बॉडी की अगर सेल ने डिवाइड करना है तो उसको पूरा एक दिन लगता है, ठीक है, तो 24 आवर्स तो हमको पता ही है, और उसके साथ ही एक ऑप्शन दे रखा है 90 मिनट, तो यीस्ट जो होता है वो 90 मिनट कितने होते हैं, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है, जैसे 1.5 घंटे के अंदर जो यीस्ट होती है वो अपने आप को डिवाइड कर लेती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा यीस्ट को हम किस में डालते हैं, कभी कभी हम वो बनाते हैं ना इडली, या इडली बनाते हैं ना, तो इडली के अंदर हम यीस्ट डाल देते हैं, या फिर जब ब्रेड के लिए आटा गूंदा जाता है, बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें हम यीस्ट डाल देते हैं, तो यीस्ट अपने आप को डबल कर लेती है थोड़ी देर में, 1-1.5 घंटे में आटा फूल जाता है, और उसके अंदर से एक गैस रिलीज होती है जिसके कारण आटे के ऊपर आपको छोटे छोटे निशान देखने को मिलते हैं, गोल गोल से, जो आपको लगता है उसमें से कोई गैस निकल रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है। तो इसको 1.5 घंटा लगता है अपने आप को डिवाइड करने में। इसके बाद है इंटरफेज इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी फेज, तो इंटरफेज के अंदर बेटा 3 फेजेस होती हैं, कौन कौन सी, एक तो होती है जीवन फेज, जीवन फेज इंटरफेज बहुत लंबी होती है, अभी बताया मैंने आपको पूरे सेल साइकिल का 95% जो होता है इंटरफेज होता है। इंटरफेज में पहला जीवन फेज होता है, जीवन फेज में क्या करती है सेल्स, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है ताकि वो एस फेज के लिए, सिंथेसिस फेज के लिए तैयार हो सके। यहाँ पे सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, पहले डीएनए का कंटेंट बढ़ता जाता है, फिर डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, और फिर जी टू फेज में क्या होता है, ऑर्गेनेलिज एंड मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द सेल डिवीजन आर प्रोड्यूस, जितने भी ऑर्गेनेलिज होते हैं वो वापस से आ जाते हैं, एंड सिर्फ सेल प्रिपेयर टू माइटोसिस, और सेल के अंदर माइटोसिस होता है और सेल जो होती है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो कौन कौन से फेज है, देखो आंसर क्या होना चाहिए इसका, आंसर क्या होना चाहिए इसका, इंटरफेज, द इंटरफेज इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, G1 फेज, फिर सिंथेसिस फॉर, और फिर G2 फेज, वेरी गुड, लिखा ही हुआ है सामने सारा का सारा। इसके बाद बेटा मास्टर केडर की जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है, तो मास्टर केडर की टेस्ट सीरीज अगर कोई भी बच्चा प्रिपेयर करना चाहता है, और इसके टेस्ट सीरीज का मतलब है इसका क्रैश कोर्स अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, तो उस क्रैश कोर्स में आपको विद इन 40 डेज के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, और सिलेबस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आने वाले क्वेश्चन हैं, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पुराने वाले जो क्वेश्चंस जो पेपरों में आए हुए हैं और जो भी नए क्वेश्चंस अभी आने की संभावना लगती है, वो सारे क्वेश्चंस आपको एक बुकलेट बना के दिए जाएंगे, उसमें से आपको सारा चैप्टर सोल्व करवाया जाएगा, सॉल्यूशन आपके सामने होगा, तो आपने सिर्फ उसमें MCQ स्टिक करने हैं और अपनी प्रिपरेशन देखनी है कि कितनी हो चुकी है हमारी और कितनी हमें और करने की जरूरत है, ठीक है। तो उसे आपको पॉलिश किया जाएगा, एक इस तरह का क्रैश कोर्स है, तो ये मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश पंजाबी SST सभी सब्जेक्ट्स के लिए है। द फेज बिटवीन द सक्सेसिव एम फेज, दो सक्सेसिव एम फेज के बीच के फेज को क्या बोलते हैं, दो सक्सेसिव एम फेज के बीच के फेज को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बेटा इंटरफेज, ठीक है। इंटरफेज क्या होती है, इंटरफेज जिसके अंदर G1, G2 और S फेज आते हैं, इसको इंटरफेज बोलते हैं, दो मतलब माइटोसिस होंगे उसके बीच में इंटरफेज आता है, ठीक है।
what is approximate percentage duration of cell cycle that comes under interphase? Interphase ke andar kitna percentage aayega cell cycle ka? Abhi bataya 95%. 5% kisme aata hai meiotic division mein. फिर है इन द एम फेज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड, हाँ जी, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है माइटोसिस फेज में उसको क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है, देखो बेटा दो तरह के काइनेसिस होते हैं, काइनेसिस का मतलब अलग अलग हो जाना, ठीक है? तो कैरियो का मतलब होता है, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का अलग अलग हो जाना इसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और सेल्स का अलग अलग हो जाना इसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है? आंसर विल बी कैरियोकाइनेसिस। ओके, फिर है इन द एम फेज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जो एम फेज है उसमें डिवीजन जो है साइटोप्लाज्म की वो कैसे होती है? साइटोकाइनेसिस, साइटो डिवीजन, डाइकाइनेसिस, नन ऑफ दिस, बताओगे क्या होगा इसका आंसर? एम फेज के अंदर जो डिवीजन है साइटोप्लाज्म की वो कैसे होगी? मतलब माइटोटिक फेज के बारे में बात की है, तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा इसको क्या बोलेंगे? तो सेल भी डिवाइड होगी, इसको क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस, ठीक है? Which of the following phase of cell cycle is also known as resting phase? Resting phase किसको बोलते हैं? G1 को, M को, S को, interphase को, किसको बोलते हैं resting phase? Resting phase बेटा interphase को ही बोलते हैं, इसी को resting phase बोलते हैं, कि 95% cells का, cell cycle का resting phase होता है, मतलब interphase होता है, जिसके अंदर G1, G2 और S phase आते हैं। फिर इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डीएनए कंटेंट गेट्स डबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए का कंटेंट कब डबल होता है? कौन से फेज के अंदर डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है? इंटरफेज के अंदर, ठीक है? इंटरफेज के अंदर ही एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज, ये सारे माइटोटिक फेज है, ये सारे माइटोटिक फेज है, ठीक है? यहाँ पे तो सेल आके बस डिवाइड करती है, इंटरफेज में ही इसका जो डीएनए है वो, उसका कंटेंट जो होता है वो डबल हो जाता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल, G1 फेज के अंदर क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, G1 फेज के अंदर क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन तो नहीं होता, ग्रोथ होती है और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल होगा, ठीक है? ग्रोथ होती है और सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, पहले सेल बड़ी होगी तब G1 फेज कंप्लीट होता है, फिर सिंथेसिस होगा। फिर ड्यूरिंग द G1 फेज ऑफ सेल डिवीजन आरएनए प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, डीएनए प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाएगा, क्या होगा? G1 फेज ऑफ सेल साइकिल में सेल अंडरगो डुप्लीकेशन, सेल के अंदर डुप्लीकेशन होगा, आरएनए और प्रोटीन ही सिंथेसाइज होते हैं ताकि सेल की ग्रोथ हो, सेल ग्रोथ से रिलेटेड पॉइंट जो है वो ही इंपॉर्टेंट है, बस G1 का मतलब होता है सेल की ग्रोथ होना, तो आरएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड एंड सेल की ग्रोथ होती है, ठीक है? G1 जहां पे भी आ जाए वहां पे ग्रोथ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिना देखे टिक कर दो। फिर ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन, हाँ जी, जब सेल की ग्रोथ होती है तो डीएनए सिंथेसिस किस फेज में होता है? तो G1 में तो होगा नहीं, है ना? किस में होगा? एस फेज के अंदर होता है बेटा, एस फेज के अंदर होगा, ठीक है? G1 के अंदर तो ग्रोथ होती है, प्रोटीन डबल हो जाता है, कंटेंट डबल होगा प्रोटीन का, है ना? ग्रोथ करती है सेल। फिर S के अंदर क्या होता है? डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? S फेज का मतलब सिंथेसिस फेज होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेज ऑफ द सेल साइकिल इन विच द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म, सेंट्रियोल कब साइटोप्लाज्म के अंदर डुप्लीकेट होता है? हाँ जी, जो स्टूडेंट्स लाइव है आंसर दो बेटा। द फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल का वो फेज इन विच सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, जहां पे डीएनए कंटेंट डबल होगा वहीं पे तो यही प्रोसेस होगा, सिंथेटिस सिंथेसिस फेज में हमेशा सेंट्रियोल जो होता है वो डुप्लीकेट होता है। ये सब सारे क्वेश्चन सेल डिवीजन चैप्टर से लियो हैं, सेल साइकिल चैप्टर से लियो हैं। फिर विच अमंग द फॉलोइंग सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर फाउंड इन द जीनोट फेज, जीनोट फेज में कौन सी सेल्स चली जाती हैं? रेड ब्लड सेल्स, एपिडर्मल सेल, हार्ट सेल, तो आंसर विल बी हार्ट सेल। ऐसी सेल्स जो कि डिवाइड नहीं होती वो जीनोट फेज में चली जाती हैं, ब्रेन की सेल भी होती हैं। सेल इन द जीनोट फेज एंटर द सेल साइकिल, सस्पेंडेड द सेल साइकिल, टर्मिनेट द सेल साइकिल, एग्जिट द सेल साइकिल, तो क्या करेंगे इसको, क्या लिखेंगे इसको? एग्जिट कर दिया ना ये सेल साइकिल को,
एग्जिट कर देती है बेटा, सस्पेंड नहीं करती, एग्जिट करती है, सेल साइकिल में कभी जाती नहीं है। इसलिए तो हम कहते हैं हार्ट की और ब्रेन की सेल कभी डिवाइड ही नहीं होती, क्योंकि सेल साइकिल में एंटर ही नहीं करती। ठीक है, इट एग्जिट द सेल साइकिल। द प्लांट सेल्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन, जो प्लांट की जो सेल होती हैं वो माइटोटिक डिवीजन शो करती हैं, डिप्लोइड सेल्स शो करती हैं, हैप्लोइड सेल्स शो करती हैं, पॉलीप्लोइड सेल्स, या हैप्लोइड और डिप्लोइड, सिर्फ ये दो ही करती हैं। क्या आएगा इसका आंसर? तो देखो बेटा, ए और बी दोनों ही आंसर होने चाहिए कि हैप्लोइड सेल्स भी शो करती हैं माइटोटिक डिवीजन और डिप्लोइड भी करती हैं, पॉलीप्लोइड सेल्स तो नहीं करती माइटोटिक डिवीजन। आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। फिर अ प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज, हाँ जी, प्लांट ग्रोथ को यूनिक ग्रोथ क्या कहते हैं? दिस इज द चैप्टर नंबर 17। ये चैप्टर नंबर 17 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन है। प्लांट ग्रोथ यूनिक है, प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन है बेटा। प्लांट ग्रोथ यूनिक क्यों है? क्योंकि प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर द अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ टाइम तक प्लांट जो है वो ग्रोथ करता है, क्योंकि उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ठीक है, तो देखो, प्लांट बियर द कैपेसिटी फॉर द अनलिमिटेड ग्रोथ, प्लांट बियर द कैपेसिटी फॉर लिमिटेड, लिमिटेड तो नहीं होती प्लांट में। प्लांट हैव डिफ्यूज्ड ग्रोथ दैट डिफर फ्रॉम द एनिमल, नो, नन ऑफ द अबव। प्लांट बियर द कैपेसिटी फॉर द अनलिमिटेड ग्रोथ, प्लांट के अंदर कैपेसिटी है अनलिमिटेड ग्रोथ की। ठीक है, आंसर ए विल बी राइट। इसके बाद है द सेल्स ऑफ डैश हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ प्रिपेयर। तो देखो, कौन सी ऐसी सेल्स हैं जिसके अंदर कैपेसिटी है डिवाइड होने की? दैट सेल्स आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर दो सेल्स विच हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। फिर द टाइप ऑफ ग्रोथ वेयर न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा वो टाइप ग्रोथ का जिसमें नई सेल्स हमेशा ऐड होती रहती हैं, ठीक है, प्लांट के अंदर। उसको हम क्या कहते हैं? ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओपन फॉर्म मतलब हमेशा ऐड होते रहना, ठीक है, इसको ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं, जहाँ पे नई नई सेल्स जो होती हैं प्लांट की बॉडी में ऐड होती रहती हैं, और प्लांट की बॉडी में हमेशा ओपन ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कंट्रीब्यूटेड बाय, हाँ जी, जो प्राइमरी ग्रोथ होती है प्लांट की वो किसके कारण होती है? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ कहाँ पे होता है? रूट एपिक। देखो बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं तीन टाइप का होता है। पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम, और तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो जो एपिकल मेरिस्टेम है वो रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पे होगा। तो रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पे एपिकल मेरिस्टेम होता है, तो वो डिवाइड करती है, रूट रूट का भी टिप डिवाइड करता है और शूट का भी टिप डिवाइड करता है। उसके बाद आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो इंटरनोड को इलोंगेट करता है, और जो आपका होता है इंटरकैलरी हो गया और एपिकल मेरिस्टेम हो गया, और एक और होता है। तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। तो आंसर विल बी ए एंड बी। कहते हैं एपेक्स के लिए कौन सा होता है? लेटरल मेरिस्टेम होता है। लेटरल मेरिस्टेम का क्या काम होता है? ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जैसे लेटरल मेरिस्टेम, जैसे स्टेम के साइड पे होना, ठीक है, स्टेम के बिल्कुल साइड पे जो मेरिस्टेम होता है उसको लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। इससे स्टेम मोटा होता जाता है, ट्रंक बन जाती है, इसकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट की, ठीक है। फिर द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट, हाँ जी, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सा? सेकेंडरी का मतलब प्लांट का लंबा नहीं होना, प्लांट को इलोंगेट नहीं होना, प्लांट को मोटा होना है, चौड़ा होना है, ठीक है, उसके लिए लेटरल मेरिस्टेम होता है। फिर है द पीरियड ऑफ ग्रोथ डज नॉट इंक्लूड, हाँ जी, जो पीरियड है ग्रोथ का, देखो बेटा प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसके अंदर तीन फेज आते हैं। एक तो मेरिस्टेमेटिक फेज आ गया, मतलब जब प्लांट ग्रोथ करना स्टार्ट ही करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, फिर जब वो ग्रोथ कर लेता है उसको इलोंगेशन फेज कहते हैं, फिर मैचुरेशन फेज। जैसे इसको मैं बना के दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा ब्राउन कलर से बनाते हैं। आपने वो देखी होगी रेडिकल, है ना, जो प्लांट वो होता है इस तरह से होती है ना, ये देखो ये क्या होता है, इसको हम मैचुरेशन जोन कहते हैं। मॉर्फोलॉजी चैप्टर पढ़ा होगा मैचुरेशन जोन, इसको हम कहते हैं इलोंगेशन जोन। स्ट्रक्चर ऑफ रूट पढ़ी होगी सबने, ठीक है, और इसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है, रूट कैप लगी होती है। तो यहाँ पे बेटा मेरिस्टेमेटिक जोन है, इससे रूट बनी जा रही है और रूट ऊपर की तरफ जा रही है, इलोंगेट हो रही है, और उसके बाद रूट जो होती है ये मैच्योर हो जाती है, ठीक है, रूट जो होती है ये मैच्योर हो जाती है। ओके,
इस तरह से, और इस पे रूट हेयर्स निकल आते हैं, रूट मैच्योर हो जाती है, फिर रूट के ऊपर रूट के हेयर्स निकल आते हैं। द पीरियड ऑफ ग्रोथ डज नॉट इंक्लूड, इंक्लूड जो पीरियड है ग्रोथ का वो किस चीज क्या चीज को अंदर इंक्लूड नहीं होती, उसके अंदर डेथ फेज नहीं आती। मेरिस्टमैटिक फेज तो आ रही है, एलोंगेशन फेज भी आ रही है, मैच्योरेशन फेज भी आ रही है, तो डेथ फेज नहीं आती। ओके इसके बाद है क्वेश्चन, कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स बोथ एट द रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स रिप्रेजेंट, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि जो डिवाइड जो सेल्स है वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड हो रही है। इससे क्या पता चलता है, इलोंगेशन फेज ऑफ ग्रोथ का पता चलता है, मेरिस्टमैटिक फेज ऑफ ग्रोथ का, मेरिस्टमैटिक फेज ऑफ ग्रोथ का पता चलेगा ना, मेरिस्टमैटिक फेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल बोथ एट रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स, इसको मेरिस्टमैटिक फेज कहेंगे। द सेल्स इन द रूट एंड शूट अपेक्स, जो सेल्स होती हैं रूट अपेक्स पे और बेटा शूट अपेक्स पे, जिन सेल्स को जो सेल्स रूट अपेक्स पे होगी शूट अपेक्स पे होगी उसको मेरिस्टमैटिक सेल कहेंगे। मेरिस्टमैटिक सेल्स के अंदर हमेशा प्रोटोप्लाज्म ज्यादा होता है, दे आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, उन्होंने डिवाइड होना तो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भी ज्यादा होगा। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, दे आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद है द सेल प्रॉक्सिमल जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप टू द मेरिस्टमैटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज डिवीजन मैच्योरेशन इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन, क्या होता है ये, द सेल प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल जस्ट नेक्स्ट अवे द मेरिस्टमैटिक जोन। देखो ये मेरिस्टमैटिक जोन बनाया था मैंने अभी अभी, देखो ये मेरिस्टमैटिक जोन बनाया था, कहते हैं इसके बिल्कुल नेक्स्ट वाली सेल्स को क्या कहोगे, इलोंगेशन जोन कहेंगे, इलोंगेटेड सेल्स कहेंगे। ठीक है, तो कहा है द सेल्स नेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप टू द मेरिस्टमैटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलोंगेशन, कौन से फेज को रिप्रेजेंट करती है, इलोंगेशन को। रूट की स्ट्रक्चर देखी है तो आपको सबको पता होगा। इन द जियोमेट्रिक ग्रोथ लैग फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय, बेटा देखो प्लांट के अंदर टू टाइप की ग्रोथ होती है, एक होती है अर्थमेटिक ग्रोथ, एक होती है जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो जियोमेट्रिक ग्रोथ में जो सेल्स होती है उनके अंदर कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, दे कंटिन्यूज टू डिवाइड बट दे कैन नॉट डिवाइड बिकॉज द सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट विल बी स्टॉप, सप्लाई जो होती है वो न्यूट्रिएंट की वो स्टॉप हो जाती है, इसलिए वो कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं कर पाती। तो जो सेल होती है उसका जो जो प्लांट होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है उसको हम शो करते हैं जियोमेट्रिकल फेज से, और यहाँ पे इस ग्रोथ को, इस फेज को हम कहते हैं सिग्मोइड कर्व। ठीक है, इस जो कर्व बनता है इसकी ग्रोथ का उसको हम सिग्मोइड कर्व कहते हैं, एंड सिग्मोइड कर्व इज द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, तो इसके अंदर तीन फेजेस आते हैं, पहला होता है लैग फेज जब हम टाइम और ग्रोथ मतलब जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट है उसका जो वेट कैसे बढ़ रहा है उसको देखेंगे, जब उसकी ग्रोथ या उसकी वेट के अंदर और टाइम के अंदर जब हम ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे एक लैग फेज आएगा। लैग फेज मतलब प्लांट पहले बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करता है फिर एकदम से प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो तेज हो जाती है, इसको हम लैग फेज, इसको हम लॉग फेज कहते हैं, पहले को लैग फेज कहते हैं दूसरे को लॉग फेज कहते हैं और एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फेज के बाद क्या आता है, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज मतलब वो फेज जब ग्रोथ होनी बंद हो जाती है। ठीक है, तो पहला लैग फेज, दूसरा लॉग फेज जिसको हम एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं, तीसरा होता है स्टेशनरी फेज। ठीक है, ये टाइम और ग्रोथ के बीच में है। ठीक है, तो द जियोमेट्रिकल ग्रोथ लैग फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो लैग फेज है इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियल रैपिड ग्रोथ, लेटर, लेटर तो हो ही सकती है तो पहली वाली ग्रोथ, इनिशियल स्लो ग्रोथ, लेटर स्लो ग्रोथ। ठीक है, तो लेटर तो है ही नहीं, पहली ग्रोथ को ही हम लैग फेज कहते हैं। तो इनिशियल जो ग्रोथ होती है वो स्लो होगी कि रैपिड होगी। लैग का मतलब क्या होता है, आप कहते हो मैम वीडियो चलते चलते लैग आ रहा है, लैग का मतलब स्लो चलती है वीडियो। ठीक है, तो लैग का मतलब इनिशियल स्लो ग्रोथ, आंसर विल बी इनिशियल स्लो ग्रोथ। और अगर हम इसका वो लिखते हैं ना, इसके एक इक्वेशन लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई की पावर एन। तो डब्ल्यू वन क्या होता है इसमें, वेट आफ्टर ग्रोथ। ठीक है, जो प्लांट का वेट आफ्टर ग्रोथ, और डब्ल्यू नॉट का मतलब क्या होता है, वेट बिफोर द मतलब जब प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर रहा है इनिशियल स्टेज में उसका कितना वेट है, और उसके बाद ई है, ई का मतलब क्या होता है, बेस ऑफ लॉगरिथम, एंड टी का मतलब क्या है, टाइम ऑफ ग्रोथ। ठीक है, इसके बाद है इन द जियोमेट्रिकल ग्रोथ एक्सपोनेंशियल फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक्सपोनेंशियल फेज देखो बेटा ये वाला था, एक्सपोनेंशियल फेज को हम लॉग फेज कहते हैं, जहां पे रैपिड कंजप्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, रैपिड इंक्रीज होता है सेल का, हाईएस्ट ग्रोथ रेट होती है,
ऑल ऑफ अबव आंसर क्या होगा, आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ अबव है ना। यहाँ पे ग्रोथ रेट ज्यादा होता है तो रैपिड इंक्रीज इन द सेल नंबर, सेल का नंबर भी ज्यादा होगा, रैपिड कंजप्शन होगा न्यूट्रिएंट्स का इसमें, इन द ज्योमेट्रिकल ग्रोथ एक्सपोनेंशियल फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑल ऑफ अबव। इसके बाद है टिपिकल ग्रोथ कर्व इन द प्लांट इज, हाँ जी प्लांट का जो टिपिकल ग्रोथ कर्व है वो कौन सा होता है, सिग्मोइड कर्व। ठीक है, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन द प्लांट इज सिग्मोइड कर्व, अभी देखा है सिग्मोइड कर्व को। ग्रैंड फेज और द फास्टेस्ट फेज ऑफ ग्रोथ इन द एस शेप ग्रोथ कर्व इज, जी जो ग्रैंड फेज होती है या जो फास्टेस्ट फेज है ग्रोथ की जिसको हम एस ग्रोथ कर्व कहते हैं वो कौन सी होती है, ग्रैंड फेज कौन सी होगी, लैग फेज होगी, स्टेशनरी फेज होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज होगी या डिमिनिशिंग ग्रोथ फेज होगी। डिमिनिशिंग मतलब स्टेशनरी फेज, तो आंसर विल बी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज। उन्होंने पूछा ना कि ग्रोथ की जो ग्रैंड फेज है जो सबसे फास्टेस्ट फेज है वो एक्सपोनेंशियल फेज है, लॉग फेज है। उसके बाद है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन बी मेड बाय, बेटा ये टू वेज में होती है, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करना है ना आपने कि लिविंग सिस्टम का कि वो कैसे मतलब ग्रोथ कर रहा है, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करना है तो दो वेज में कर सकते हो आप, टू वेज में कैसे कैसे कर सकते हैं इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको। इसका आंसर ये क्यों लगाया, क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो कहाँ गई एक स्लाइड थी, देखो जो क्वांटिटेटिव ग्रोथ होती है ना बेटा ये टू टाइप से हम इन्वॉल्व होते हैं इसमें, कैसे देखो पहली चीज होती है एब्सोल्यूट ग्रोथ होती है और एक होती है रिलेटिव ग्रोथ। ठीक है, क्वांटिटेटिव जब हम मेजरमेंट करते हैं ना कि दो प्लांट की जो लीव्स हैं वो इस तरह से ग्रोथ कर रही हैं, जैसे मान लो सपोज करो एक केस लेते हैं कि एक प्लांट की लीफ है वो पहले 5 सेंटीमीटर की थी फिर वो 10 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, और दूसरे प्लांट की जो लीफ है वो पहले 50 सेंटीमीटर की थी उसके बाद 55 सेंटीमीटर की होगी। तो देखो बेटा इसकी रिलेटिव ग्रोथ और इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ में क्या फर्क होगा, ग्रोथ जो होती है वो टू टाइप की होती है, एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ। जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है वो इसकी क्या है, टोटल ग्रोथ। ठीक है, इसमें टोटल ग्रोथ कितनी हुई है, पहले 5 सेंटीमीटर का था फिर 10 सेंटीमीटर का हो गया, 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई। यहाँ पे क्या है, पहले 50 सेंटीमीटर का था फिर 55 सेंटीमीटर स्क्वायर की थी लीफ, 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई, तो टोटल जितनी ग्रोथ हुई है उसको हम एब्सोल्यूट ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं रिलेटिव ग्रोथ। रिलेटिव ग्रोथ कैसे होती है, पहले देखो टोटल ग्रोथ ऑफ प्लांट पर यूनिट स्क्वायर में, पर यूनिट एरिया के अंदर जो टोटल ग्रोथ हुई है इस लीफ की, इसको हम एब्सोल्यूट ग्रोथ बोलेंगे। रिलेटिव ग्रोथ देखो क्या होती है कि पहले जितनी ग्रोथ थी, पहले 5 सेंटीमीटर थी, ठीक है, उसके बाद कितनी होगी, उसके मतलब उसके अंदर पहले जितनी थी इनिशियल ग्रोथ है, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर कितना चेंज आया। ठीक है, जैसे सपोज करो पहले 5 थी तो यहाँ पे इनिशियल वाली यहाँ पे लिख ली, यहाँ पे हमने लिख ली इनिशियल ग्रोथ, एक मिनट, इनिशियल ग्रोथ, ठीक है, कि पहले 5 थी, फिर इंक्रीज कितना हुआ, ठीक है, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज ग्रोथ आ जाएगा कि रिलेटिव ग्रोथ रेट इसका कितना है 100%। और इसका अगर रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालेंगे, पहले कितना था 50, इनिशियल ग्रोथ कितनी थी 50 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर का गैप है 50 और 55 में 5 सेंटीमीटर का गैप आया, ठीक है, तो उसने इंक्रीज कितना किया 5 सेंटीमीटर इनटू 100, तो कितना आ गया रिलेटिव ग्रोथ रेट 10%, मतलब इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट सिर्फ 10% है, इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट 100% है, तो चेंज कितना है, चेंज कितना है, एब्सोल्यूट ग्रोथ तो दोनों की सेम है लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट दोनों की अलग अलग है, दिस इज द आंसर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये क्वेश्चन था ना, एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन था ना क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करोगे जब ग्रोथ के बीच में तो वो किस हिसाब से होता है, दो तरीकों से होता है, एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ जो होती है वो पर यूनिट टाइम के अंदर कितने एरिया के अंदर कितना चेंज आया उसको हम उसका एब्सोल्यूट ग्रोथ कहते हैं, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ हम परसेंटेज में निकालते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आ गया होगा सबको क्वेश्चन। इसके बाद है मेजरमेंट, यही क्वेश्चन था ना, एक मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ ऑफ ए प्लांट पर यूनिट टाइम, टोटल ग्रोथ जितनी की प्लांट ने पर यूनिट टाइम के अंदर उसको हम क्या कहेंगे, उसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहते हैं, उसको एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इसको एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहते हैं। इसके बाद है ऑक्सैनोमीटर इज यूज टू मेजर, ऑक्सैनोमीटर किस चीज को यूज, किस चीज को मेजर करने के काम आता है, ऑक्सैनोमीटर किस चीज को मेजर करने के काम आएगा भाई,
ये तो आना चाहिए आपको क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ द प्लांट ऑर्गन, प्लांट ऑर्गन का जो लेंथ है उसको देखने के लिए ऑक्सीनोमीटर काम आता है, ठीक है, लेंथ को मेजर करने के लिए आता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ द प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ के कौन कौन से फैक्टर हैं, वाटर, ऑक्सीजन, लाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट, ये सारे क्या हैं, ये सारे फैक्टर ही हैं, है ना, ये सारे के सारे फैक्टर ही हैं, ये सब प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ऑल ऑफ द अबव, न्यूट्रिएंट ना हो, मिनरल एंड न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ो, आपको एक एक न्यूट्रिएंट की वजह से, जो आप टेक्निक करते हैं ना हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स में क्या करते हैं, हम वाटर, वाटर का एक सोल्यूशन लेते हैं, उसके एक डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा सोल्यूशन, थोड़ा सा केमिकल्स ऐड करते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई प्लांट लगा देते हैं, फिर प्लांट ने जो मिनरल लेना होता है वो ले लेता है, और जो उसके अंदर किसी अगर मिनरल की कमी हो जाती है तो हमको ये पता चलता है कि इस प्लांट को ये वाली मिनरल की जरूरत थी, इसकी कमी की वजह से इसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक है जिसके अंदर हम सॉयल लेस सॉल्यूशन के अंदर, मतलब विदाउट सॉयल एक सॉल्यूशन के अंदर, एक डिस्टिल्ड वाटर प्लस मिनरल्स के अंदर हम क्या उगाते हैं, प्लांट्स को उगाते हैं, वाटर के अंदर प्लांट्स को उगाना, मिनरल सॉल्यूशंस के अंदर प्लांट्स को उगाना विदाउट सॉइल, इसको हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक कहते हैं, मिनरल एंड न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ते हो प्लांट फिजियो में। हाँ जी बेटा, हमारे पेड बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, पीएस टेट का एंड सी टेट का एक बैच चल रहा है फॉर द सीडीपी इंग्लिश पंजाबी एसएसटी साइंस मैथ ईवीएस। तो आप लोग जो भी आपके रिलेटिव या आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद है वाटर इज रिक्वायर्ड इन द प्लांट ग्रोथ फूड। हाँ जी, वाटर किस लिए रिक्वायर्ड है प्लांट की ग्रोथ के लिए, एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए, सेल एनवायरमेंट के लिए, एक्सटेंशन ग्रोथ के लिए, ऑल ऑफ दीज के लिए। तो बेटा एंजाइमेटिक रिएक्शन तो तभी होगी जब वाटर होगा, सेल की एनलार्जमेंट भी तभी होती है जब वाटर होता है, एक्सटेंशन ग्रोथ भी तभी होती है, ऑल ऑफ दीज आएगा आंसर। एंजाइमेटिक रिएक्शन सबसे ज्यादा उस वाटर पर डिपेंड करती है। फिर है डीएनए इज, डीएनए क्या है, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ द डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, शॉर्ट पॉलीमर, शॉर्ट पॉलीमर कितना गंदा पॉइंट है, मोनोमर पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो, मोनोमर नहीं है पॉलीमर है, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की चेन को आरएनए कहते हैं। तो डीएनए की बात की है तो लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द डीएनए यूजली डिपेंड ऑन, हाँ जी जो लेंथ है डीएनए की वो किस पे डिपेंड करती है, बताओ भी लेंथ जो है डीएनए की किस पे, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पोजिशन पे थोड़ा डिपेंड करेगी, जितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उतनी उसकी लेंथ होगी, ठीक है। जैसे हर एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए की लेंथ अलग होती है क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियोटाइड्स की चेन का जो नंबर होता है वो अलग होता है, ठीक है, जितनी लंबी न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होगी उतना लेंथ होगी डीएनए की। फिर है फाइंड द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच को फाइंड करना है, कैसे करेंगे, देखो बैक्टीरियोफाज के बारे में दे रखा है, इसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बिल्कुल सही डाटा है, ये एनसीईआरटी ने डाटा मेंशन करके दिया है। बैक्टीरियोफाइज लैम्डा के बारे में बता रखा है, इसके अंदर 48,502 बेस पेयर होते हैं, भी बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट देखना ना, इशिकिया कोलाई के अंदर 4.6 × 10^6 होता है, 10^6 बेस पेयर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही डाटा है। हैप्लोइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, हैप्लोइड कंटेंट के अंदर 3.3 × 10^6 बेस पेयर, डिप्लोइड के अंदर होता है बेटा इतना, हैप्लोइड का कंटेंट दे रखा है, डिप्लोइड में होता है, गलत है ये, ठीक है। प्यूरीन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए, हाँ जी जो प्यूरीन्स मिलते हैं डीएनए और आरएनए में वो कौन से होते हैं, प्यूरीन्स जो डीएनए और आरएनए में मिलते हैं वो कौन से होंगे, एडिनिन और गुआनिन ही होते हैं, एडिनिन और गुआनिन ही होते हैं ना, फर्क तो किसमें होता है, डीएनए के अंदर थायमिन होता है और आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है, पिरामिडिन्स में फर्क होता है, प्यूरीन्स तो सेम ही होते हैं एडिनिन और गुआनिन। नाइट्रोजिनस बेस आर लिंक टू शुगर बाय, हाँ जी नाइट्रोजिनस बेस है, अभी करवाया था, जो नाइट्रोजिनस बेस है वो शुगर के साथ किससे लिंक होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, क्योंकि बेटा ऑल द शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट का जो करेक्टरिस्टिक बॉन्ड है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो आंसर क्या आएगा, नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नाइट्रोजिनस बेस और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म्ड व्हेन द नाइट्रोजिनस बेस आर लिंक टू, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनते हैं, जब नाइट्रोजिनस बेस किसे जुड़ता है, शुगर से जुड़ती है ना, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस को क्या बोलते हैं, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोसाइड। फिर जब इसको तड़का लगाते हैं फॉस्फोरिक एसिड का, जब इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड डाल देते हैं तब इसको क्या बोलते हैं,
न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडीनोसिन एंड डीऑक्सी एडीनोसिन? हाँ जी, एडीनोसिन और डीऑक्सी एडीनोसिन में क्या फर्क होएगा? ओनली शुगर का फर्क है, किसका फर्क है? एडीनोसिन एंड डीऑक्सी एडीनोसिन, तो बिल्कुल सही बात है, ओनली शुगर का ही फर्क है, ठीक है। फिर है व्हेन ए फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू ए ऑफ न्यूक्लियोसाइड, जब एक फॉस्फेट ग्रुप लिंक होता है न्यूक्लियोसाइड के साथ ए से, ठीक है, ए डैश से, तब थ्रू द बी बॉन्ड एंड कोरेस्पॉन्डिंग सी इज फॉर्म, क्या बनता है? जब फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड मिलेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है। इसमें भी न्यूक्लियोटाइड है, इसमें भी न्यूक्लियोटाइड, इसमें भी न्यूक्लियोटाइड, ये ऑप्शन गलत हो गया, इन तीनों में से देखना है आप, ठीक है। अब जुड़ता है कौन से बॉन्ड से है? फॉस्फेट हमेशा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ता है, यहाँ पे भी फॉस्फोडाइएस्टर दे रखा है, यहाँ पे भी फॉस्फोडाइएस्टर, इन तीनों में से कोई भी संभावना हो सकती है। अब आंसर डिपेंड करता है इसके ऊपर, ए से फाइव डैश एंड से ओएच जुड़ेगा, थ्री डैश से जुड़ेगा या टू डैश से जुड़ेगा, तो कहाँ से जुड़ता है? फाइव डैश एंड से जुड़ता है, अभी आपको बताया था ना, फाइव डैश एंड से जुड़ता है। आंसर विल बी फाइव डैश एंड पे था ना सी एच टू, ऐसे आपको बताया था ना अभी, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि इस तरह से फाइव डैश एंड पे जो सी एच टू ओ एच ग्रुप लगा होता है इसके साथ वो जुड़ता है, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है इसके साथ, है ना, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। इसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पिरामिडिन्स इंक्लूड एडिनिन एंड गुआनिन, पिरामिडिन्स में एडिनिन एंड गुआनिन होते हैं, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ये तो इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद है पिरामिडिन्स इंक्लूड साइटोसिन यूरेसिल एंड थायमिन, बिल्कुल सही है, पिरामिडिन्स जो होते हैं उसमें साइटोसिन थायमिन और यूरेसिल होता है, दोस्तों को देखने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया। देखो मैंने लिख भी दिया था, प्यूरिन्स एडिनिन और गुआनिन होते हैं, पिरामिडिन्स साइटोसिन यूरेसिल और थायमिन होते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल न्यूक्लियोटाइड्स, इनमें से कौन से न्यूक्लियोटाइड है, टाइड का मतलब एसिड लगा होना चाहिए उसके पीछे, एडिनिलिक एसिड, साइटेडिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना, इसमें सारे एसिड है, इसमें देखो एडिनोसिड ये न्यूक्लियोसाइड हो गया, साइटिडिन एडिनिन ये सारे क्या है, न्यूक्लियोसाइड हो गए, यूरेसिल थाइमिडिन, ये यूरेसिल जो नाइट्रोजिनस बेस हो गया, इसमें एडिनिन तो नाइट्रोजिनस बेस हो गया, उन्होंने बात करी है न्यूक्लियोटाइड की, तो एडिनिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड। इसके बाद है बैकबोन ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड बाय, हाँ जी जो बैकबोन है वो डीएनए की, वो किसकी बनी होती है? फॉस्फेट्स की, शुगर की, दोनों की, दोनों की बनी होती है, अभी पढ़ा है, फॉस्फेट और शुगर दोनों को मिला के, नाइट्रोजिनस बेस तो साइड पे लगे होते हैं ना, तो साइड पे लगे होते हैं, तो बैकबोन किसकी बनती है? शुगर और फॉस्फेट को मिला के बनती है। उसके बाद है क्वेश्चन, एक्सरे डाटा डिफ्रैक्शन ऑफ डीएनए वाज प्रोड्यूस बाय, हाँ जी जो एक्सरे डाटा डिफ्रैक्शन है ये किसने बताया था? बेटा एक्सरे डाटा डिफ्रैक्शन क्या था, जब इसकी अच्छे से स्टडी की गई थी कि डीएनए जो होता है वो किस किस चीज से मिलकर बनता है, तो ये विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने बताया था, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने डीएनए का एक्सरे डाटा डिफ्रैक्शन दिया। इसके बाद है, हाँ जी बेटा हमारा फ्री ऑनलाइन और ऑफलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, एसएसटी, तो जो भी बच्चे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए और हमें एमसीक्यूज पता चल जाए कि कौन कौन से पेपर में ज़्यादा अच्छे से आएंगे और उसको करने का तरीका पता चल जाए कि एमसीक्यूज को किस कंसेप्ट के ऊपर बेस होते हैं, जो अभी मैंने आपको जो जितने भी एमसीक्यूज करवाए हैं उसके मैंने आपको लॉजिक बताया कि इसका आंसर ये क्यों है, तो इस तरह से आपको हर एमसीक्यू का एक लॉजिक बताया जाएगा कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, तो इस तरह का एक क्रैश कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 40-45 डेज का वो क्रैश कोर्स होगा, आप ज्वाइन कर सकते हो एग्जाम से पहले। फिर है द डायग्राम शो एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ द डीएनए, फिल इन द ब्लैंक्स ए टू, हाँ जी बेटा डीएनए से आरएनए का बनना इसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, एंड इसको किसने दिया था, किसने दिया था ये, इसमें वैसे सी दिखाया नहीं गया लेकिन इसका आंसर क्या आना चाहिए, किसने दिया था ये सारा कंसेप्ट? बताओ भी, इतने सारे बच्चे ऑनलाइन है, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था ना, फ्रांसिस क्रिक ने,
ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन और फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। इसके बाद है इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज द रिवर्स डायरेक्शन। हाँ जी, जो वायरस होते हैं उनमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, और प्रोटीन का अपनी जगह पे जाके अच्छी तरह से सारे के सारे फंक्शंस को करना, इसको हम सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो वायरस होते हैं उसमें जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो उल्टी होती है, इसमें आरएनए से डीएनए नहीं बनता, इसमें डीएनए से आरएनए बनता है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है आरएनए से डीएनए का बनना, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए जो बन रहा है उसे डीएनए का बनना, ठीक है, सही है ना। हाँ ठीक है, इसको कहेंगे देखो इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द रिवर्स डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। सॉरी, ये उल्टा लिख दिया मैंने कॉन्सेप्ट। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद है लेंथ ऑफ द डीएनए इन द ह्यूमन सेल। हाँ जी, ह्यूमन सेल की लेंथ कितनी होती है, डीएनए की, डीएनए की लेंथ कितनी होनी चाहिए ह्यूमन सेल की। देखो बेटा, ह्यूमन सेल के हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम क्या है, दिस इज द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, ठीक है। तो इसके अंदर लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर की, 2.2 मीटर की लेंथ होती है ह्यूमन के डीएनए की। फाइंड आउट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन द इशिकिया कोलाई डीएनए इफ इट्स डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर लॉन्ग। तो बताओ फाइंड आउट द नंबर ऑफ द बेस पेयर कितना होगा, 4 × 10^6 होता है ना, 10^6 है। यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट लिख लो यहाँ पे, कि जो हमारी बॉडी में डीएनए होता है उससे क्या बनता है, पहले आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड आरएनए से प्रोटीन का बनना, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। और देखो वायरस में क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, तो आरएनए से डीएनए का बनना, एक मिनट, आरएनए से डीएनए का बनना, इसको क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हमारी बॉडी में तो डीएनए है ना, तो हमारी बॉडी में डीएनए है, तो डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा, तो डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन, ठीक है। यहाँ पे आरएनए से डीएनए बन रहा है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। कॉन्सेप्ट उल्टा लिख दिया था पहले। देखो फाउंड आउट द नंबर ऑफ द बेस पेयर इन द इशिकिया कोलाई डीएनए इफ द डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर लॉन्ग। इशिकिया कोलाई का जो डीएनए होता है वो 1.36 मिलीमीटर लॉन्ग है, तो उसमें कितने बेस पेयर होने चाहिए, 4 × 10^6, 4 × 10^6 है, ये सारे गलत दे रखे, 106 में होते। इन द प्रोकैरियोट्स डैश न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। कौन सा न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोट्स में, अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है, डिफाइंड नहीं होता न्यूक्लियस, ठीक है। द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। डीएनए पूरी सेल में स्कैटर नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया में आप देखते हो, ठीक है। डीएनए इज डैश चार्ज। डीएनए कौन सा चार्ज होता है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एंड होल्ड बाय द सी, और उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज के ऊपर वो लिपटा होता है। दिस स्ट्रक्चर इन द प्रोकैरियोट्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड कहते हैं इसको ना। तो ये किसमें, सारे ऑप्शंस किसमें है, देखो नेगेटिवली पॉजिटिवली न्यूक्लियोइड यहाँ पे होगा, है ना, आंसर विल बी दिस, न्यूक्लियोइड रीजन होता ना। पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन दैट आर फाउंड इन द यूकैरियोट्स। हाँ जी, हमारी बॉडी के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि बेटा डीएनए तो नेगेटिवली चार्ज है, और इतना लंबा डीएनए है हमारी बॉडी का, हर एक सेल के अंदर 2 मीटर तक लंबा डीएनए है, तो इतना लंबा डीएनए तो बॉडी के अंदर कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जिसके ऊपर सारा का सारा जो डीएनए है वो लिपटा होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का क्या मतलब होता है, 8 हिस्टोन के जो कोर्स होते हैं उसके ऊपर डीएनए लिपटा होता है, ठीक है, और इसके साथ एक लिंकर डीएनए होता है जिसको H1 कहते हैं। देखो
पैकेजिंग ऑफ डीएनए कैसे होती है, ये एक टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो बेसिक प्रोटीन है, जितने भी हिस्टोन प्रोटीन है वो सारे बेसिक प्रोटीन है, क्योंकि इसके अंदर बेसिक अमीनो एसिड्स लगे होते हैं, ठीक है। और जो डीएनए है वो एसिडिक होता है, तो एसिड और बेस मिलेंगे तभी काम बनेगा ना, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो वो आपस में लिपट जाते हैं। टू बेसिक अमीनो एसिड्स इसमें कौन कौन से होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। तो देखो फाइव टाइप के स्टोन्स होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है। इसके ऊपर लिपट जाते हैं, जो हमारा डीएनए होता है इन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर लिपट जाता है, ये ऑक्टामर बनाता है एक तरह का, उसके ऊपर वो लिपट जाता है, ठीक है। इसके बाद है चूज द इनकरेक्ट पेयर, इनकरेक्ट पेयर को चूज करना है। इनकरेक्ट कौन सा है, बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यू इन द हिस्टोन्स, बेसिक अमीनो एसिड से हिस्टोन बनता है, बिल्कुल सही बात है। यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल इन द हिस्टोन्स लाइसिन एंड आर्जिनिन हिस्टोन ऑक्टामर, ये बिल्कुल सही बात है कि जो 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं हिस्टोन के वो ऑक्टामर बनाते हैं, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए न्यूक्लियोसोम, बिल्कुल सही है। फिर है थ्रेड लाइक कलरलेस यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर क्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस, थ्रेड लाइक कलरलेस यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर क्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर कॉम्पैक्ट हो जाता है डीएनए। इनकरेक्ट पेयर चूज करना था ना, तो यही है। फिर है लिंकर डीएनए इज अटैच टू, हाँ जी लिंकर डीएनए किससे अटैच होता है, अभी बताया लिंकर डीएनए जो होता है वो H1 से अटैच होता है ना, हिस्टोन ऑक्टामर का H1। फिर है द पैकेजिंग ऑफ द क्रोमेटिन एट द हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट आर कलेक्टिवली नोन एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन, कुछ एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी चाहिए होते हैं, खाली हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ही पैकेजिंग नहीं होती डीएनए की, और हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए को मिला के न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और जैसे देखो बेटा ये हिस्टोन प्रोटीन है ना, इसके ऊपर ऐसे लिपट गया आपका डीएनए, देखो ऐसे, ठीक है। फिर दूसरा हिस्टोन आएगा, ठीक है, यहाँ पे दूसरा हिस्टोन प्रोटीन पड़ा है, फिर इसके ऊपर ऐसे लिपट जाएगा, दो ही राउंड लेता है बस, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। इस तरह से ना एक आपको चेन दिखाई देगी, इस तरह से आपको एक चेन दिखाई देगी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रोमेटिन, इसको क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो कैसे बनते हैं, पहले वो इस तरह से रूप लेते हैं अपना, पहले वो न्यूक्लियोसोम का रूप लेते हैं, फिर वो क्रोमेटिन का रूप लेते हैं, फिर वो क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमोसोम आर द हाईली डेंस पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, इसी को ही क्रोमोसोम बोलते हैं। द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद द न्यूक्लियोसोम इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है ये, क्या इंडिकेट करेगा ये, इंडिकेट करता है डीएनए इज कंसेंट कंडेंस इनटू द क्रोमेटिन फाइबर। अभी लिखवाया ना, अभी बताया ना ये कंसेप्ट, जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन के रूप ले लेता था। फिर लाइटली स्टेन्ड पार्ट ऑफ द क्रोमेटिन विच रिमेन लूजली पैक्ड, हाँ जी जो लाइटली स्टेन्ड पार्ट होता है क्रोमेटिन का, जो बहुत ही लूजली पैक्ड होता है उसको क्या कहते हैं, जो लूजली पैक्ड होता है उसको यू क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। जो लूजली पैक्ड होगा क्रोमेटिन का पार्ट उसको यू क्रोमेटिन कहते हैं, जो डेंस पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, हिटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। ये क्रोमेटिन के आगे पार्ट्स हैं, हिटेरोक्रोमेटिन जो होता है वो थोड़ा डेंसली पैक्ड होता है, मतलब जो उसको स्टेन करोगे तो आपको स्टेनिंग थोड़ी डार्क नजर आएगी, मतलब इसका मतलब होता है उसमें क्रोमोसोम ज्यादा है और मतलब उसमें डीएनए का कंटेंट ज्यादा है, और लूजली जो होते हैं वो यू क्रोमेटिन हिटेरोक्रोमेटिन। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, हाँ जी हिस्ट्री जो है लाइफ की, कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, जैसे रॉबर्ट उसने विर्चो ने कहा ना कि जो लाइफ है, जो सेल्स हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही एग्जिस्ट हुई हैं, ठीक है। तो हमने इस चीज का पता लगा, हमारे इवोल्यूशन जो चैप्टर है उसमें हमने यही पढ़ते होते हैं कि जो लाइफ है वो लाइफ जो है आई कहाँ से, अर्थ पे सबसे पहले कौन सा जीव आया और वो किस तरह से अर्थ पे आया, उसके बाद दुनिया कैसे बनी, तो ये इवोल्यूशन के अंदर पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आई, ठीक है। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरीज, अर्थ एटमोसफियर बिफोर ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिस्टेड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ, हाँ जी जो अर्थ का लाइफ है उसके ऊपर कौन कौन सी चीजें थी, वॉटर था,
वाटर नहीं था अर्थ पे बहुत टाइम, आज से बहुत टाइम पहले इतना ज्यादा टेम्परेचर था। अर्थ का टेम्परेचर अप्रोक्स 800 से लेकर 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर था। तो उसके अंदर वाटर हो सकता है अर्थ पे? अर्थ पे वाटर तो ज्यादा था ही नहीं, वाटर वेपर की फॉर्म में था, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था, जो वाटर था वो वाटर वेपर बन जाता था, वाटर वाटर वेपर की फॉर्म में था। और क्या था? मिथेन गैस बहुत सारी थी, अमोनिया थी, हाइड्रोजन थी। ठीक है, तो मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सारे इकट्ठे कहाँ दे रखे हैं? वाटर वेपर। वाटर तो था ही नहीं, इसको तो कैंसिल ही कर। ठीक है, जहाँ पे वाटर दे रखा है और यहाँ पे वाटर वेपर नहीं दे रखा, तो आंसर विल बी, कौन सा आंसर सही होगा? वाटर वेपर। ठीक है, बस कुछ कुछ ना एक एक टर्म्स हैं, मतलब कोई कोई क्वेश्चन का आंसर एक एक वर्ड से भी पता चल जाता है। तो आप देखते देखते ना मैराथन आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर किस हिसाब से देना है। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रोटिंग मटीरियल। बहुत टाइम पहले ये बात बताई गई थी एक साइंटिस्ट के थ्रू कि जो लाइफ है वो कैसे आई है, रोटिंग मटीरियल से आई है, मड से आई है, स्ट्रो से आई है। दिस थ्योरी वाज, इस थ्योरी को क्या कहते थे कि मड से, मतलब जैसे मिट्टी के अंदर से एक एलिगेटर अपने आप ही बाहर आ गया, ये भी थ्योरी आई थी ना। तो इस थ्योरी को हम क्या, कौन से नाम से जानते हैं? इस थ्योरी का नाम होता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी, है ना? स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कि अपने आप से ही किसी भी चीज का बाहर आ जाना। हु डिस्कार्डेड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन? हाँ जी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को किसने डिस्कार्ड कर दिया था? उसने कहा था ये बेकार थ्योरी है, लुईस पाश्चर ने। लुईस पाश्चर ने कौन सी थ्योरी दी थी? स्वान नेक थ्योरी दी थी। स्वान नेक, अगर आपको याद हो, स्वान नेक थ्योरी क्या थी? स्वान नेक थ्योरी एक बहुत अच्छी थ्योरी थी। ये देखो, इसके अंदर उसने क्या किया था, उसने कुछ एक यीस्ट यीस्ट लिया था और यीस्ट को लेके पानी के अंदर उसको बॉयल किया था और उसके ऊपर स्वान के नेक जैसी एक वो लगा दी थी, मतलब स्वान नेक जैसा बीकर लिया था। फिर उसने वेट किया था, कहता है इसके अंदर किसी भी चीज की ग्रोथ ही नहीं हुई, क्योंकि बेटा इसके अंदर कंटामिनेशन ही नहीं हुआ। ठीक है, कोई चीज बाहर से आएगी, कोई लार्वा आएगा, कुछ आएगा, तो ही वो यीस्ट मीडियम के अंदर, इसके अंदर उसने यीस्ट डाला था। ठीक है, और पानी को हल्का हल्का वो वार्म करता रहता था, ठीक है, ताकि यीस्ट जो है वो गर्म पानी के अंदर, यीस्ट जो होती है वो एक्टिवेट रहती है ना, ठंडे पानी के अंदर तो यीस्ट एक्टिवेट नहीं होगी। तो नीचे से थोड़ा थोड़ा उसको बॉयल करता रहा और उसके अंदर यीस्ट थी, मतलब उसने न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया किस चीज को, खाने के लिए, कि कोई लार्वा आएगा उसको खाएगा और वो बढ़ जाएगा और फिर हमको पता चलेगा कि लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने बॉयल किया, उसने वेट किया और यहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं हुई, पानी जैसा था ना वैसे का वैसे था, उसके अंदर से कुछ निकला ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि भी उसने कोई चीज ली, कोई एक स्वान, एक बिकर लिया, उसको बॉयल किया, ठीक है, पानी को बॉयल किया और ऊपर से इसकी नेक तोड़ दी, यहाँ से इसकी नेक तोड़ दी। ठीक है, जैसे उसने नेक तोड़ी तो थोड़े टाइम बाद उसने देखा, 1 मिनट बेटा, उसने जैसे ही नेक तोड़ी उसको पता चला कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लार्वा हैं, वो लार्वा इसके अंदर से एंटर कर गई। जैसे ही लार्वा इसके अंदर एंटर करे तो यहाँ पे उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम था। तो समझ गए आप, उसने क्या बताया, उसने कहा कि जो लाइफ होती है वो स्पॉन्टेनियस ही नहीं जनरेट हुई। उसने भी इसी चीज को मतलब देखा कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आई है, लाइफ अपने आप से नहीं आती, अपने आप से उसने लाइफ नहीं जनरेट नहीं किया, लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से आई है। ठीक है, तो ये किसने थ्योरी दी थी? लुईस पाश्चर की थ्योरी थी। इसके बाद है, हाँ जी बेटा, फ्री यूट्यूब क्लासेस हमारी चल रही हैं करंट अफेयर्स की, एक्साइज एंड टैक्स इंस्पेक्टर और पंजाब पुलिस, पीपीएससी, PSSB, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। आपका कोई भी रिलेटिव या आपका कोई भी फ्रेंड अगर कोई ये वाले एग्जाम देना चाहता है, एग्जाम को क्रैक करना चाहता है, तो ये सारे एग्जाम्स की जो प्रेपरेशन है वो यूट्यूब पे फ्री आ रही है और हमारा डेली सेशन लगते हैं यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। और अगर कोई स्टूडेंट उसका पेड बैच लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है, ऑल द बैचेस आर गोइंग ऑन। मिलर सिंथेसाइज सिंपल अमीनो एसिड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इन हिज एक्सपेरिमेंट। हाँ जी, मिलर का एक्सपेरिमेंट क्या था? मिलर ने क्या किया था बेटा, मिलर एक साइंटिस्ट था, उसने ये देखने के लिए कि धरती पे सबसे पहले लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, उसने क्या किया, एक अर्थ जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया, आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली अर्थ जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया,
उसने एक बीकर लिया, उसके अंदर मतलब उसने बहुत सारी चीजें डाली, जैसे ये वाली गैसेस डाली, हाइड्रोजन गैस डाली, मिथेन गैस डाली, और वाटर वेपर डाला। तो उसने उसको काफी दिन तक मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने अर्थ जैसा एनवायरमेंट क्रिएट करके और एक एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसने देखा कि धीरे धीरे सबसे पहले क्या था, अमीनो एसिड बना, ठीक है, अमीनो एसिड्स बने और बहुत सारी और भी चीजें उसको नजर आई, जो कि जिस जो कि साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस दी थी कि इस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुई है, उसने उस एक्सपेरिमेंट को करके दिखाया मिलर ने, ठीक है। जो बच्चे पेड बैच में हैं उनको सारा पता है कि मिलर ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे करवा के भी दिखाया था वो। तो देखो क्वेश्चन क्या है, मिलर सिंथेसाइज्ड, मिलर ने सिंथेसाइज किया सिंपल अमीनो एसिड को अपने मिक्सचर के अंदर, उसने क्या क्या चीजें ली थी, उसने एक तो CH4 लिया था, एक उसने अमोनिया गैस ली थी, एक ने हाइड्रोजन लिया था और अर्थ का टेम्परेचर जो कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये सारी चीजों से उसने एक्सपेरिमेंट किया। फिर व्हाट डिड मिलर ऑब्टेन फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट में मिलर को क्या क्या मिला था, अमीनो एसिड भी मिले थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बने थे और नाइट्रोजिनस बेस, ये तीनों चीजें मिली थी मिलर को अपने एक्सपेरिमेंट में। फिर ऑनली ऑन अर्ली अर्थ ऑर्गेनिक एसिड वर प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद द, हाँ जी, अर्ली अर्थ पे जो ऑर्गेनिक एसिड बने थे वो कैसे बने थे, वो कैसे बने थे, हाँ जी बताओ, अमोनिया और मिथेन से ही बने थे, क्योंकि पहले गैसेस ही दो थी, ठीक है, अमोनिया और मिथेन। उसके बाद है द फर्स्ट सिंगल सेल लाइक स्ट्रक्चर इनिशियली अपीयर्ड इन, जो फर्स्ट सिंगल सेल लाइक स्ट्रक्चर थी वो कहाँ पे देखने को मिली थी, वो सबसे पहले बेटा ओशन में देखने को मिली थी, समुद्र के अंदर पहली सेल मिली थी देखने के लिए। फिर है व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेल शिप यूज्ड बाय चार्ल्स डार्विन ड्यूरिंग हिज सी वॉयज, हाँ जी, जब उसने समुद्र के अंदर एक जगह से दूसरी जगह गया था चार्ल्स डार्विन अपनी थ्योरीज को देने के लिए, तो उसने जो शिप का यूज किया था, उस शिप का नाम क्या था, एचएमएस बीगल शिप था उसका नाम। आगे करें, इसके बाद है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन्स ऑब्जर्वेशन, चार्ल्स डार्विन की ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या चीज इसमें से सही है, चार्ल्स डार्विन ने क्या बताया था बेटा, बेटा उसने बताया था एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलैरिटी टू द लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टिंग मिलियन ईयर अगो, बिल्कुल सही है, चार्ल्स डार्विन ने एक पॉइंट दिया था कि जो अभी एग्जिस्ट कर रही है लाइफ वो आज से बहुत साल पहले जो लाइफ एग्जिस्ट करती थी, जो सेल्स थी वैसी है, उसमें से कुछ सिमिलैरिटी है, मतलब उसने बताया था एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म जो अब लाइफ है, मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात उसने करी है, तो वो कहता है जो अब लाइफ की फॉर्म है उसके अंदर सिमिलैरिटी है जो पहले लाइफ फॉर्म्स थी, ठीक है, लाइफ फॉर्म इवोल्व ग्रेजुअली, फिर उसने बताया कि जो लाइफ की फॉर्म है वो धीरे 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 चेंज हुई है, मतलब जैसे पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा हेमीगॉर्डेटा गॉर्डेटा मेमेलिया, ये सारे क्या है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली इन्वॉल्व हुआ है ना, पहले सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, फिर टिश्यू लेवल का आया, फिर ऑर्गन लेवल का आया, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल का आया, एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन द वेरिएशन विच एनेबल देम टू सर्वाइव इन द नेचुरल कंडीशन, सही बात है बिल्कुल, ये भी उसने पॉइंट दिया था कि जो कोई भी पॉपुलेशन, एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन, उसके अंदर वेरिएशन आ जाती है जबकि वो जब वो सर्वाइव करती है नेचुरल कंडीशन के अंदर, ऑल ऑफ अबव, ये सारी की सारी डार्विन की थ्योरी है, चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी थी, अकॉर्डिंग टू डार्विन दोज हु आर बेटर फिट इन द एनवायरनमेंट, हाँ थ्योरी ऑफ द फिटेस्ट दी थी इसने, डार्विन ने एक थ्योरी दी थी इसको थ्योरी ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं, उन्होंने क्या बताया था कि जिनके प्रोजेनी ज्यादा होते हैं लीव मोर प्रोजेनी देन अदर्स, जिनके प्रोजेनी ज्यादा होते हैं वो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करते हैं, लीव मोर प्रोजेनी देन अदर्स, वो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करते हैं, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे उनके बच्चे ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करेंगे, वो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करेंगे। फिर थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन एज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन वाज गिवन बाय, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था, ये बहुत अच्छी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर किसी किसी चीज को सिलेक्ट करती है, कोई कोई एक चीज को सिलेक्ट कर लेती है जो कि नेचर के अकॉर्डिंग होता है, डार्विन ने दी थी ये भी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दी थी, डार्विन ने दी थी, एचएमएस बीगल शिप भी इसी की है। साइंटिस्ट हु ऑल्सो कम टू द सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम ऑफ द चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन जैसा एक सिमिलर कंक्लूजन किसने दिया था उस टाइम पे, अल्फ्रेड वैलेस ने दिया था, अल्फ्रेड वैलेस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेम थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन जैसी उसी टाइम पे। फिर है मैले आरपीगो, मलाय आरपीलेगो
इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड विजिटेड बाय वैलेस ए रिसर्च पेपर ऑफ द इवोल्यूशन? नहीं, ग्रुप ऑफ आइलैंड ही है, आपने सभी ने सुना होगा जहाँ पे वो चिड़िया वाली जो डार्विन फिंच के बारे में जहाँ पे हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो आर्चिपेलागो ग्रुप ऑफ आइलैंड विजिटेड बाय वैलेस, वैलेस गए थे जहाँ पे। फिर द कंक्लूजन ड्रॉन बाय द डार्विन एंड वैलेस, हाँ जी, जो चार्ल्स डार्विन थे और जो वैलेस थे वो किस कंक्लूजन पे पहुंचे थे, किस कंक्लूजन पे पहुंचे थे? द जियोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ को रिलेट विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ये भी सही है। ऑल एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर द सिमिलैरिटी, ये डार्विन ने दी थी, अभी बताया है कि जितनी भी लाइफ आज एग्जिस्ट कर रही हैं उनकी वो कॉमन करेक्टर है उनके, मतलब वो पुरानी वाली जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनके साथ करेक्टर शेयर कर रही हैं। एंसेस्टर ऑफ एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स वर प्रेजेंट एट द डिफरेंट पीरियड्स, जो एंसेस्टर्स हैं एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स के वो प्रेजेंट हैं डिफरेंट पीरियड्स के अंदर, हिस्ट्री के अंदर अगर हम निकाल के देखेंगे तो। और जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ को रिलेट विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री, बिल्कुल सही है कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखो आप अर्थ की और बायोलॉजिकल हिस्ट्री देखो, मतलब कौन से, अगर आप परतों को उठा के देखते हो, अगर हम जैसे जियोलॉजी के अंदर देखते हैं कि जो परतें होती है ना एक के बाद एक, कि सबसे जो पहली परत जब खोदी गई जियोलॉजी के अंदर, जब सबसे पहले अर्थ की परत खोदी गई, मिट्टी के उठाई गई, तो उसके अंदर सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए वो सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म थे जिनके हमको स्केलेटन मिले, उसके बाद उन ऑर्गेनिजम्स के स्केलेटन मिले जो उसके बाद आए, तो धीरे धीरे जियोलॉजी और बायोलॉजी आपस में कोरिलेट होती गई कि वाकई ये वाले ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आए थे और दूसरे ऑर्गेनिज्म इनके बाद आए थे, ठीक है, ऑल ऑफ अबव, सारे सही हैं, इन दोनों ने दोनों कंक्लूजन निकाले थे। हाँ जी बेटा, अगर आपको इतने क्वेश्चन है आज का मैराथन इतना ही है, तो अगर आपको ये सारा का सारा चाहिए टेलीग्राम ऐप पे, तो पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम ऐप पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, जितना भी चीजें मैंने लिखी है वो सारी आपको मिल जाएंगी एज इट इज। और जो स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं की है वो प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो मिड अगस्त या सितंबर में होगा, और जो बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो ताकि अच्छा एग्जाम हो और आपके अच्छे मार्क्स आए, और ये आपका गोल्डन चांस है, आपका मास्टर ग्रेडर सेलेक्ट हो जाता है तो आप एक टीचर बन जाओगे और आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। सिर्फ बात तो सिर्फ 2 मंथ की है, अगर आप 2 मंथ पढ़ लोगे तो 2 मंथ में एग्जाम डेफिनेटली होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।